जीना यहाँ विमल पंद्रह सुरेंद्र मोहन पाठक फर्स्ट एडिशन उन्नीस सौ छियासी यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है कोई व्यावसायिक लक्ष्य या कोई कॉपीराइट उद्देश्य नहीं है निवेदन सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इन ऑडियो बुक को बनाने में बहुत समय लगता है ये दिनों या हफ्तों की मेहनत होती है इसलिए कृपया मेरे चैनल योर बुक रीडर को सब्सक्राइब करें और कृपया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर कहीं हमारे दूसरे चैनल्स की तरह इस चैनल में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जुड़े रह लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको हमारे वीडियोस में कुछ सिंबल साइंस की साउंड सुनाई देते होंगे जैसे कि वर्टिकल बार प्लस हश इनको इग्नोर करें ये हमारे बुकमार्क्स है रिकॉर्डिंग के लिए होते हैं वीडियो लंबी होने के कारण कुछ रह जाते हैं जिन पर काम किया जा रहा है जहां आपको एस्ट्रिस्क 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 साउंड आएगा इसका मतलब वहां सीन चेंज हुआ है आपको यहाँ ऑडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें सामान्य ज्ञान, जब ये उपन्यास लिखी गई थी तब का एक लाख रुपए आज के बीस लाख रुपए होते हैं तू आइए सुनते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जीना यहा विमल पंद्रह विमल ने सर्वशक्तिमान बखिया तक को तो परास्त कर डाला था लेकिन अपने प्रारब्ध से वो एक बार फिर हार गया था हालात ने कुछ ऐसी करवट बदली थी कि विमल को अपने जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व पे ही सवालिया चिन्ह नजर आया एक ऐसा चिन्ह जिसके आगे अगर कुछ दिखाई देता था तो मात्र एक शून्य जिसमें गर्त हो जाना ही उसे अपना नसीब लगता था जेल जाने का सामान करेगा सूरत से तो नहीं लगते हो रुस्तम भाई ने कबूल किया तो फिर लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी की पेशकश पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ जो कि मुझे अपना नाम तक नहीं बताना चाहता मैं अपना नाम भी बताऊंगा और योजना भी लेकिन तुम्हारी हामी हो जाने के बाद मेरी हामी पर क्या गवर्नमेंट की सील रही होगी मैं हामी भर के भी मुकर सकता हूँ मराठा मुस्कराया। ऐसा नहीं कर सकोगे वह बोला पोंट अच्छा कौन रोकेगा मुझे है एक आदमी यानी कि खुद तुम नहीं मैं भी रोक सकता हूं लेकिन वो बेहतर रोक सकता है उसका नाम सुनोगे तो फिर हामी भर के मुकर जाने का ख्याल भी अपने जेहन में लाने से डरोगे अच्छा कौन है ऐसा सूरमा कोई नाम भी होगा उसका है क्या सोहन? सोहन? कौन सोहल सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल रुस्तम भाई ने चौक कर अपने सामने बैठे आदमी की तरफ देखा वो वो रुस्तम भाई आंखें फाड़कर उसे देखता हुआ बोला वो तुम्हारी योजना में शामिल है यु कहो कि मैं उसकी योजना में शामिल हूं हम उसकी योजना में शामिल है हम में कौन कौन आते हैं यह सब तुम्हारी हामी के बाद तुम्हें बताया जाएगा लेकिन काम का कुछ अंदाजा भी तो हो काम ऐसा है जिससे हमें नकद छ करोड़ रुपए हासिल होंगे तुम कोई बैंक लूटने की फिराक में हो उत्तर में मराठा सिर्फ मुस्कुराया काम में सबका हिस्सा बराबर है हाँ तुमने मुझे पिचत्तर लाख की पेशकश की इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी योजना में आठ आदमी शामिल हैं। समझदार आदमी हो तुम मुझ तक कैसे पहुंचे मेरा मतलब है तुम्हें मेरा ख्याल ही कैसे आया किसी का ख्याल तो मुझे आना ही था तुम्हारा आ गया तुमने यह सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी ऐसी किसी योजना में शिरकत के लिए तैयार हो जाऊंगा इसलिए सोच लिया क्योंकि तुम एक समझदार आदमी हो और नफे नुकसान में तमीज कर सकते हो मतलब तुम इस वक्त क्या धंधा करते हो तुम्हें नहीं मालूम मुझे मालूम है तुम अंधेरी में टूरिस्ट टैक्सी सर्विस चलाते हो न्यू बॉम्बे टूरिस्ट टैक्सी सर्विस के नाम से देसी विलायती कारों की फ्लीट है तुम्हारे पास दो शेवरलेट तीन मर्सिडीज पांच मार्क फॉर एम्बेसिडर फिर भी तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी किसी डकैती जैसी योजना में शामिल होऊंगा? हाँ, हाँ। इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी टूरिस्ट टैक्सी सर्विस की पोल भी समझता हूँ टूरिस्टों की सर्विस तो तुम नाम को ही करते हो तुम्हारी असली सर्विस तो सोने और मादक पदार्थों की स्मगलिंग करने वालों के लिए है तुम्हारी टैक्सिया स्मगलरों के लिए ओट का काम करती है और जब से काला पहाड़ राज बहादुर बखिया मरा है तब से तुम खुद भी नारकाटिक्स की स्मगलिंग के धंधे में धीरे धीरे कदम रखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि इस धंधे में लगाने के लिए तुम्हारे पास एक मोटी रकम एक मुश्त नहीं है रुस्तम भाई वह रकम तुम्हें मैं मुहैया करा सकता हूँ जिस धंधे में तुम कदम रखने के ख्वाहिशमंद हो उसमें पौना करोड़ रुपया तुम्हारे बहुत काम आ सकता है कमार है रुस्तम भाई मंत्रमुग्ध स्वर में बोला कोई शख्स मेरे बारे में इतना कुछ जानता है और मैं उसके नाम तक से वाकिफ नहीं मराठा फिर मुस्कराया रुस्तम भाई कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला हाँ या न का फैसला क्या अभी करना होगा नहीं मराठा बोला इसके लिए तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है मेरी हामी के बाद तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी योजना क्या है फर्ज करो मैं हामी भर देता हूँ लेकिन तुम्हारी योजना से मैं मुतम नहीं होता वो मुझे वैसी फूल प्रूफ नहीं लगती जैसी उसके होने का तुम दावा करते हो तो अगर हम तुम्हें योजना की कामयाबी के प्रति पूरी तरह आश्वस्त न कर सके तो तुम्हें योजना से किनारा कर लेने का पूरा अख्तियार होगा तब मेरे इनकार की सूरत में वो सरदार सोहल मुझ पर चढ़ो नहीं दौड़ेगा नहीं ऐसा नहीं होगा मेरा एक बार उससे वास्ता पड़ चुका है वो बहुत खतरनाक आदमी है मुझे उसके ख्याल से दहशत होती है मैं तो तब भी उसका खौफ का गया था जबकि अभी यह सामने भी नहीं आया था कि वह अकेला आदमी बखिया की बादशाहत से टक्कर ले सकता था तोबा रुस्तम भाई के शरीर ने झुरझुरीली मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे मेरे अहाते में खड़ी मेरी सारी कारों को तबाह कर देने की धमकी दी थी और ऐसा उसने तब किया था जबकि वहां मेरे दर्जन भर हिमायती भी मौजूद थे और वह अकेला था बराठे की आंखों में प्रसन्नता की चमक आई ठीक है रुस्तम भाई निर्णयात्मक स्वर में बोला कल शाम तक तुम्हें मेरा जवाब मिल जाएगा बढ़िया मराठा बोला लेकिन मुझे इनकार करने का भी अख्तियार है ना पूरा अख्तियार है तुम इनकार भी कर सकते हो इसी वजह तो मैं तुम्हें अपने बारे में या अपनी योजना के बारे में कुछ बता नहीं रहा इनकार की सूरत में मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की जाएगी हरगिज भी नहीं मैं अपना जवाब तुम तक कैसे पहुंचाऊंगा कल शाम को यहीं आ जाना कितने बजे तुम बताओ बजे। ठीक है। एस्टरिस्क एस्टरिस्क एस्टरिस्क। दीपक मेहरा ने फ्लैट की कालबेल के पुष्प उंगली रखी वह फ्लैट बांद्रा वेस्ट के इलाके में हिल रोड की आठ नंबर इमारत की दूसरी मंजिल पर था दरवाजा खुला चौखट पर मंजुला प्रकट हुई तुम उसे देखते ही वह वित्रष्णापूर्ण स्वर में बोली हां दीपक मुस्कुराया मैं तुम इस वक्त यहाँ क्यों चले आए कमाल है अजीब तरीका है तुम्हारा मेहमान का स्वागत करने का लेकिन अरे रास्ते से तो हटो भीतर तो आने दो नहीं क्या नहीं तुम जाओ यहां से जाओ यहां से मेरा मतलब है इस वक्त जाओ लेकिन क्यों वो आने वाला है वो कौन भंडारी इस वक्त आमतौर पर इस वक्त नहीं आता लेकिन आज आने वाला है हार्ट वो आने वाला है मैं आ चुका हूं आने वाले तो आते ही रहते हैं जो आ गए हैं उनकी फिक्र करो तुम चाहते क्या हो तुमसे बात करना चाहता हूं सिर्फ पांच मिनट वह बात फिर कभी नहीं हो सकती हो सकती है लेकिन मैं अभी करना चाहता हूं आखिर मेरा भी तुम पर कोई हक है लेकिन अगर भंडारी रास्ता छोड़ो तीव्र अनिच्छा का प्रदर्शन करते हुए मंजुला चौखट से हटी दीपक ने फ्लैट में कदम रखा उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और फिर मंजुला को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की मौत का रास्ता मंजुला छिटक कर उससे परे हट गई फर्स्ट ओके ओके उन्नीस दीपक बोला जो कहना है जल्दी कहो दीपक तुरंत बेहद गंभीर हो गया वह ड्राइंग रूम पार करके बेडरूम की तरफ बढ़ा उधर कहाँ जा रहे हो वह व्याकुल भाव से बोली दीपक ने उत्तर न दिया उसने बेडरूम में कदम रखा बेडरूम बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था उसकी पिछली दीवार पर डबल बेड के ही नाप की एक आयल पेंटिंग लगी हुई थी एक अन्य दीवार पर एक ढाल मंडी हुई थी जिस पर क्रास की सूरत में दो नंगी तलवारें टंगी हुई थी दीपक पलंग पर बैठ गया पलंग बेहद आरामदेह था उसकी आंखें ईर्ष्या से जल उठी मंजुला उसके पीछे पीछे वहां पहुंची और उसके सामने आ खड़ी हुई उसके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव थे जो कहना है वह फिर बोली जल्दी कहो तुम्हें पता है मैंने क्या कहना है वह बोला मंजुला चुप रही मैं आखिरी बार तुमसे दरखास्त करने आया हूं कि भंडारी से किनारा कर लो यह नहीं हो सकता मंजुला दृढ़ स्वर में बोली यह अब नहीं हो सकता तुम पतन की राह पर चल रही हो, हो सकता है एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी की यारी में कुछ नहीं रखा मंजुला तुम्हें मेरी जाति जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं हक है हक है मुझे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं मुझसे शादी करना चाहते हो तो दौलतमंद बनकर दिखाओ पहले तो तुम ऐसी दौलत की दीवानी न थी पहले मेरा परिवार तबाही और बर्बादी के उस गर्त में भी नहीं गिरा था जिसमें कि वो आज भी दफन है मेरा बाप मर गया मेरे एक भाई का कत्ल हो गया और दूसरा जेल में चक्की पीस रहा है मेरी माँ को कैंसर है मेरी चार छोटी बहने हैं जिनके सामने अंधेरा ही अंधेरा है उनकी जिंदगियों को बर्बादी से बचाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करना मंजूर है सात बच्चे तोबा बर्बादी की बुनियाद ये थी या शट मेरे तक ही रहो मेरे माँ बाप तक न पहुंचो तुम्हें एक शादीशुदा आदमी की रखेल बन के रहना मंजूर है अपने कुंबे की खातिर मुझे अपना इससे कहीं ज्यादा बुरा अंजाम भी मंजूर है यानी कि तुम्हें मेरी मोहब्बत की मेरी सच्ची मोहब्बत की कोई कदर नहीं बहुत कद्र है लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे कुनबे के सिर पर मंडराते तबाही और बर्बादी के बादलों को नहीं छान सकती भंडारी से क्या हासिल है तुम्हें वो कौन सा बड़ा धन्ना सेठ है मैं बैंक में अकाउंटेंट हूँ तो वो आलमगीर म्यूजियम का सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके पास कौन से दौलत के अंबार लगे हुए हैं लगे नहीं हुए तो लग जाएंगे कैसे लग जाएंगे क्या कोई करिश्मा करके दिखा देगा वो? हाँ, करिश्मा ही करके दिखाएगा तुम ऐसा कोई करिश्मा करके दिखाओ तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ वो क्या करेगा पता नहीं लेकिन आने वाले चंद दिनों में वो बहुत दौलतमंद आदमी बन जाने वाला है कैसे जादू के जोर से या कोई लॉटरी निकलने वाली है उसकी या किसी बैंक में डाका डालने वाला है पता नहीं क्या करने वाला है लेकिन उसने मेरे से वादा किया है कि आने वाले चंद दिनों में वह मेरे सामने दौलत के अंबार लगा देगा अगर वह वा अपने वादे पर खरा न उतरा तो भी एकाएक मंजुला के स्वर में उदासी भर गई मेरी आइंदा जिंदगी में तुम्हारे मेरे साथ की कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि तब तुम दीपक व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला भंडारी को छोड़कर कोई और मोटा मुर्गा फांसने की कोशिश करोगी हां वह नेह संकोच बोली शायद इससे भी बुरा कुछ करूं शायद कहीं किसी कोठे पर जाकर बैठ जाऊं मेरी माँ शांति से मर सके मेरी बहनें इज्जत से रह सकें इसके लिए मुझे खुद बेइज्जत होना मंजूर है यह तुम्हारा पक्का इरादा है हाँ यानी कि यह या तुम्हारा पक्का फैसला है कि हमारी आइंदा जिंदगी में तुम्हारे मेरे साथ की कोई गुंजाइश नहीं दीपक कबूल करते मेरा कलेजा फटता है लेकिन हकीकत यही है लेकिन अगर मैं दौलतमंद बनकर दिखा सकूं तो तुम मुझे हासिल हो सकती हो हाँ तब मैं तुम्हारे पाव धो धो कर पीऊंगी तब मैं तुम्हारे आगे सारी दुनिया को हेत समझूंगी मैं क्या करूं? अपने बैंड से गबन कर लूं? किसी का खून कर दूं? स्मगलर बन जाऊं? अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो किसी भी तरीके से दौलत हासिल करके दिखाओ मोहब्बत तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ मंजुला दीपक ने आ भरी इस हद तक करता हूँ कि जी चाहता है कि जिस आदमी की परछाई भी तुम पर पड़े मैं उसका गला काट दूं और अब तुम जाओ यहाँ से भंडारी किसी भी क्षण यहाँ आने वाला है अगर उसने तुम्हें यहां देख लिया तो बहुत बुरा होगा ठीक है जाता हूं वह पलंग पर से उठ खड़ा हुआ लेकिन मैं भी इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं मैं फिर आऊंगा कभी मत आना मैं जरूर आऊंगा आना तो साथ में इतने नोट लेकर आना जो मुझसे गिने न जाएं। शायद यही करना पड़ेगा मुझे एक बिकी हुई औरत की ज्यादा कीमत अदा करके उसे वापस खरीदना होगा मुझे मैं आउंगा। मैं मंजुला। फिर दीपक ने आगे बढ़कर एक झटके से फ्लैट का दरवाजा खोला और बगले की तरह वहां से निकल गया एस्ट्रिस्क 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 दीपक की रवानगी के थोड़ी देर बाद ही भंडारी वहां पहुंच गया भंडारी जयंत भंडारी कोई चालीस साल का निहायत तंदुरुस्त और चाक चौबंद आदमी था वह मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित आलमगीर म्यूजियम में सिक्योरिटी ऑफिसर था जहां की वह अच्छी तनख्वाह पाता था कुछ पारिवारिक धन संपत्ति का मालिक भी वह था लेकिन उसमें से अधिकतर वह अपनी ऐयाशियों में उड़ा चुका था एक साल पहले मंजुला म्यूजियम में अस्थाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुई थी म्यूजियम की टेलीफोन ऑपरेटर मैटर्निटी लीव पर गई थी जिसके स्थान पर चार महीने के लिए मंजुला को रखा गया था उसके आते ही भंडारी उस पर बुरी तरह फिदा हो गया घनिष्ठता की शुरुआत केवल इस वादे से हुई थी कि वह मंजुला की म्यूजियम में स्थायी नौकरी लगवा देगा लेकिन मंजुला के खिलाफ हालात इस कदर बिगड़ते चले गए थे और भंडारी के हक में इस कदर बनते चले गए थे कि नौबत उनकी वर्तमान रिश्तेदारी तक पहुंच गई थी बांद्रा वाला फ्लैट भंडारी के किसी दोस्त का था जो दो साल के लिए फॉरेन गया हुआ था लेकिन मंजुला पर अपनी रईसी का रोप गांठने के लिए उसने उसे यही कहा था कि फ्लैट उसने विशेष रूप से मंजुला के लिए खरीदा था और उसे फर्निश करवाया था लेकिन आने वाले दिनों में कई तरीकों से इस बात की पोल खुल गई थी कि उस फ्लैट का मालिक भंडारी नहीं था फिर धीरे धीरे मंजुला को यह भी मालूम हो गया था कि वह उतना पैसे वाला भी नहीं था जितना कि उसने अपने आप को साबित करने की कोशिश की थी मंजुला बहुत आगबबूला हुई उसे इस बात का बहुत अफसोस भी हुआ कि वह यूं धोखा खाकर अपनी हालत खुदा ही मिला न विसाले सनम जैसी कर बैठी तब उसने वही किया जो वह उन हालात में कर सकती थी उसने भंडारी को छोड़ जाने की धमकी दी भंडारी के छक्के छूट गए तब तक वह मंजुला का इस हद तक दीवाना बन चुका था कि उसका इस ख्याल से ही कलेजा को आने लगा कि मंजुला उसे छोड़ सकती थी बहुत मिन्नत समाजत करके वह मंजुला को इस बात के लिए तैयार कर पाया कि वह उसे एक महीने का मौका और दे इस अरसे में अगर वह उसे उसकी उम्मीदों पर खरा उतर कर न दिखा पाया तो वह बेशक उसे छोड़ दे मंजुला ने वह शर्त कबूल कर ली लेकिन भंडारी को तब खुद नहीं मालूम था कि एक महीने में वह कैसे कौन सा करिश्मा करके दिखा सकता था तभी एक दिन एक खुदाई मददगार की तरह पिचहत्तर लाख रुपए की पेशकश लेकर एक आदमी उसके पास पहुंचा। उस पेशकश ने भंडारी को पहले तो बहुत डराया लेकिन फिर पिचहत्तर लाख रुपए की विपुल धनराशि उसके डर पर हावी होती चली गई आज उस आदमी को उसने अपना जवाब देना था कोई आया तो नहीं भंडारी ने फ्लैट में दाखिल होते ही पूछा कौन मंजुला सपकाई कोई भी मुझे पूछता हुआ नहीं तुम्हें पूछता कोई नहीं आया यहाँ कोई बात नहीं आ जाएगा कौन आने वाला है यहाँ यहां वो शख्स आने वाला है जिसकी वजह से हम दोनों के सपने साकार होने वाले हैं। अच्छा और उसके पीछे पीछे यहाँ इतने नोट आने वाले हैं जितनों का तुमने सिर्फ जिक्र ही सुना होगा कभी देखे नहीं होंगे अच्छा हाँ यह न भूलना कि तुमने जो एक महीने की मोहलत मांगी थी उसमें सिर्फ दस दिन बाकी है नहीं भूलूंगा नहीं भूला हूं मेरी मोहलत की मियाद खत्म होने से पहले ही यहां का नक्शा कुछ यूं होगा कि नोट गिनते तुम्हारी उंगलियां टूट जाएंगी लेकिन नोट खत्म नहीं होंगे सरासर नकली जोशोखरोश का इजहार करती मंजुला उससे लिपट गई भंडारी को स्वर्गिक सुख की अनुभूति हुई कभी एकाएक कालबेल बज उठी वही आया होगा भंडारी उसे अपने से अलग करता बोला तुम बेडरूम में चली जाओ मंजुला सहमति में सिर हिलाती पिछले दरवाजे की ओर बढ़ चली उसके दृष्टि से ओझल होते ही भंडारी ने दरवाजा खोला चौखट पर एक कोई पचास साल का बेहद कठोर चेहरे वाला लंबा ऊंचा कद्दावर मराठा खड़ा था क्या जवाब है वह अपलक भंडारी को देखता धीरे से बोला हाँ या ना। अरे भीतर तो आओ भंडारी बोला मेरा भीतर आना या न आना भी तुम्हारे जवाब पर मुनहसर है जवाब न में हुआ तो भीतर आकर क्या करूंगा मैं जवाब भंडारी दृढ़ स्वर में बोला हां में है फिर तो भीतर आना ही होगा एस्ट्रिस्क 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 पुलिस की एक जीप अंधेरी में न्यू बॉम्बे टूरिस्ट टैक्सी सर्विस के अहाते में दाखिल हुई अहाते में कई नई पुरानी देसी विलायती गाड़ियां खड़ी थी जिनसे थोड़ा परे एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे तीन चार आदमी बैठे गप्पे हाँक रहे थे पुलिस की जीप देखकर वो सकपकाए जीप में से इंस्पेक्टर चटवाल नीचे उतरा वह कोई चालीस साल का निहायत फुर्तीले जिस्म और बड़े रोगदार चेहरे वाला आदमी था चटवाल एक निहायत ही करप्ट पुलिसिया था जो कि पुलिस भर्ती ही वहाँ हासिल रिश्वत के ग्लैमर से प्रभावित होकर हुआ था रिश्वत हासिल होने का कोई मौका वह कभी नहीं छोड़ता था कभी मौका अपने आप हासिल नहीं होता था तो वह जबरन मौका पैदा कर लेता था जैसा कि वह उस वक्त करने वहां आया था रुस्तम भाई किधर है उसने बड़े रौब से पूछा भीतर है बाप पेड़ के नीचे बैठे आदमियों में से एक बोला अहाते के पृष्ठ भाग में खपरेल की छत वाली एक एक मंजिला इमारत थी उसके दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था ऑफिस। चटवाल ने भीतर कदम रखा वहाँ एक मेज के पीछे एक उंगता सा आदमी बैठा था जो चटवाल पर निगाह पड़ते ही उछल कर खड़ा हुआ चटवाल ने रुस्तम भाई की बाबत अपना सवाल दोहराया तो वह आदमी उसे खुद भीतर के कमरे में छोड़कर गया जहाँ रुस्तम भाई अंधेरी वाला एक दीवान पर अधलेटा सा बैठा हुआ था इंस्पेक्टर को देखते ही वह संभलकर बैठ गया और बोला आओ आओ मालिक चटवाल ने घूर कर साथ आए आदमी की ओर देखा वह आदमी फौरन वहां से खिसक गया बिराजो। रुस्तम भाई एक कुर्सी की तरफ इशारा करता हुआ बोला कैसे आना हुआ रुस्तम भाई चटवाल कठोर स्वर में बोला मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं क्या रुस्तम भाई चौका पुन से क्या खता हो गई बाप तुम्हारी गाड़ी में से अफीम पकड़ी गई है मेरी गाड़ी में से, मेरी गाड़ी गाड़ी में में से से सफेद मर्सिडीज़। अब ना कहना वह तुम्हारी गाड़ी नहीं है गाड़ी तो अपनी ही है बाप लेकिन मेरी गाड़ी में अफीम का क्या काम गाड़ी में जो पैसेंजर था उसके पास चार किलो अफीम थी बाप अफीम पैसेंजर के पास थी ना? अपुन तो गाड़ी भाड़े पर उठाता है अफीम अपुन के ड्राइवर के पास भी होती तो कोई बात थी बको मत तुम्हारी भी पैसेंजर से मिली भगत है पैसेंजर ने ऐसा कहा है तुम्हें पता है वो ऐसा नहीं कहने वाला तो फिर लेकिन तुम्हारा ड्राइवर बहुत कुछ बका है रुस्तम भाई चटवाल खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता हुआ बोला मैं बहुत अरसे से तुम्हारी ताक में था मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारी गाड़ियां टूरिस्ट सर्विस के लिए कम और स्मगलिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है तुम्हारी कमाई का असली रिया भी स्मगलिंग है तुम टूरिस्टों के सदके ही गाड़ियों की इतनी बड़ी फ्लीट के मालिक नहीं बन गए हो बाप यह झूठा इल्जाम है अपना स्मगलिंग से कोई वास्ता नहीं अखी मुंबई जानती है कि रुस्तम भाई अंधेरी वाला एकदम खरा धंधा करता है तुम ही सोचो बाप कोई भाड़े पर गाड़ी चलाने वाला आदमी किसी पैसेंजर की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है अगर कोई पैसेंजर गलत काम केला है तो अपने ड्राइवर की जिम्मेदारी तो ले सकते हो कि उसकी भी नहीं ड्राइवर भी मेरे से बाहर जा सकता है आखिर अपन का मुलाजिम ही तो हुआ वो कोई सगे वाला तो न हुआ वह खाम खा तुम्हारे बारे में मुंह क्यों फाड़ेगा वह यह भी तो कह सकता था कि पैसेंजर कौन था उसके पास क्या माल था उसे नहीं मालूम था बाप बापरुस्तमभा दबे स्वर में बोला मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं कि अपना ड्राइवर अपन के खिलाफ कुछ बोला होगा यानी कि चटवाल आंखें निकालता बोला मैं झूठ बोल रहा हूँ नहीं नहीं रुस्तम भाई हड़बड़ाया तुम झूठ काहे को बोलोगे तुम तो और मैं यहाँ की तलाशी लेना चाहता हूँ तलाशी रुस्तम भाई के छक्के छट गए उस घड़ी वहां प्योर अनकट हेरोइन के बीस पैकेट मौजूद थे जो थोड़ी ही देर बाद वहां से रवाना होने वाले थे हाँ, तलाशी। बाप, क्यों खाली पीली इस गरीब के पीछे पड़ेला है तुम और गरीब चटवाल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला रुस्तम भाई अंधेरी वाला गरीब बाप अपन हमेशा पुलिस वालों से बनाकर रखता है अक्की मुंबई की पुलिस को मालूम है मुझे नहीं मालूम तो अब जान जाओ बाप रुस्तम भाई तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे खिलाफ कितना सीरियस केस है यहाँ की तलाशी में कुछ न भी बरामद हुआ तो अकेले तुम्हारे ड्राइवर की तुम्हारे खिलाफ गवाही तुम्हें लंबा नफवा देगी उसने क्या कहा है उसने कहा है कि बरामद अफीम तुम्हारी है वह पैसेंजर तुम्हारा है और गाड़ी तो तुम्हारी है ही किसे कहा है मुझे कहा है और किसे कहा है फिलहाल सिर्फ तुम्हें कहा है हाँ लेकिन फिर क्या वांदा है बाप फिर तो इधर मेरे पास आकर बैठो और सेवा बताओ सेवा कैसी सेवा कौन सी सेवा अरे बैठो तो ऐसे ही बोलो रुस्तम भाई ने आह भरी। उसने करीब पड़ा एक ब्रीफकेस, उठाया और उसका रुख अपनी तरफ करके उसे खोला उसने उसमें से सौ सौ के नोटों की एक गड्डी निकाली और उसे इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया यह क्या इंस्पेक्टर कठोर स्वर में बोला कबूल करो बाप रुस्तम भाई खुशगमत भरे स्वर में बोला तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो तो कैसा जलील लफ्ज़ अपनी जुबान पर ला रहे हो बाप यह तो क्या यह तो रुस्तम भाई ने फिर आह भरी उसने ब्रीफकेस से नोटों की एक गड्डी और निकाली दोनों गड्डियां मिलाकर उसने इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाई और आशापूर्ण निगाह से उसकी तरफ देखा इंस्पेक्टर के चेहरे से कठोरता के भाव न गए मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता रुस्तम भाई धीरे किंतु अत्यंत गंभीर स्वर में बोला मेरी इससे ज्यादा की औकात नहीं धंधा मेरा नहीं मैं सिर्फ कमीशन एजेंट हूं धंधा मेरा होता वो माल मेरा होता तो तुम जो भी कहते मैं तुम्हारी नजर करता धंधा तुम्हारा है माल तुम्हारा है वहम है तुम्हारा कसम है मुझे अपने बनाने वाले की न धंधा मेरा है न माल मेरा है तो फिर असल पार्टी को पकड़वाओ ऐसा नहीं हो सकता रुस्तम भाई अंधेरी वाला धोखाधड़ी और यारमारी नहीं सीखा तुम जेल की चक्की पीसोगे खुदा ना करे ऐसी नौबत आए लेकिन मैंने अगर यारमारी और चक्की पीसने में से एक काम चुनना होगा तो मैं चक्की पीसने को चुनूंगा कहना आसान है तुम चाहते क्या हो उत्तर देने से पहले चटवाल दरवाजे के पास गया उसने दरवाजा खोलकर बाहर गलियारे में झाका गलियारे को खाली पाकर उसने दरवाजा बदस्तूर बंद किया और वापस लौटा एक लाख वह धीरे से बोला नामुमकिन रुस्तम भाई फौरन बोला उससे दिलवाओ जिसका माल है मैं नहीं दिला सकता मेरी उस तक पहुंच नहीं बकवास मत करो मैं हकीकत बयान कर रहा हूं मुझे इससे कम मंजूर नहीं इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो फिर उठकर खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलने की तैयारी करो बाप तुम खाम खा जिद कर रहे हो यह रकम एकदम मुनासिब है यह चिड़िया की बीट है जो मैं कहता हूँ वह निकालो वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे धंधे का जुलूस निकालता हूँ अभी इतना लेके जाओ बाकी फिर ले जाना फिर कहाँ से आएगा मैं आध गाड़ी बेच दूंगा इंस्पेक्टर ने इनकार में सिर हिलाया अभी कुछ नहीं हो सकता बाप मैं झूठ नहीं बोल रहा यह ब्रीफ केस देख लो रुस्तम भाई ने ब्रीफ केस खोलकर उसका रुख इंस्पेक्टर की तरफ किया खाली है जो रोकड़ा था वो मैंने हाजिर कर दिया बाकी भी निकालो कैसे निकालू और अभी निकालो लेकिन कैसे निकालू सोचो कोई तरकीब रुस्तम भाई सोचने लगा रुस्तम भाई इंस्पेक्टर क्रूर स्वर में बोला मैं बहुत अरसे से तुम्हारी फिराक में था मैं तुम्हें यूं सस्ता नहीं छोड़ने वाला उधार कर लो बाप रिश्वत में उधार क्या कहने लेकिन सोचो खलीफा सोचो यह सोचकर सोचो कि इस सोच पर तुम्हारी आइंदा जिंदगी का दारोमदार है उसके माथे पर बल यू पड़े और नेत्र सिकुड़े जैसे वह वाकई दिमाग पर बहुत जोर दे रहा हो सुनो एकाएक रुस्तम भाई बोला मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता सकता हूँ जिससे तुम्हें अपनी पसंद का रोकड़ा भी मिल जाएगा और अखी मुंबई में बल्कि अखे हिंदुस्तान में तुम्हारी जय जयकार भी हो जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे चार्ल्स शोभराज को पकड़ने पर इंस्पेक्टर झंडे की हुई है ऐसी कौन सी बात है इंस्पेक्टर संदिग्ध स्वर में बोला है एक बात लेकिन तुम यह पक्की करो कि तब तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे बात वाकई ऐसी करामाती है तो छोड़ दूंगा बात ऐसी ही करामाती है बात है क्या आप मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल की गिरफ्तारी पर कितना इनाम है दो लाख क्यों वह इनाम तुम हासिल कर सकते हो कैसे सोहल को गिरफ्तार करके वो कहाँ है यही है मुंबई में हां नामुमकिन बहादुर बखिया की मौत के बाद से मुंबई पुलिस यहां का चप्पा चप्पा छान चुकी है वो यहां नहीं है होता तो यकीनन गिरफ्तार हो चुका होता वो यही है और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ कम से कम छह करोड़ रुपए का हाथ मारने वाला है किस्सा क्या है साफ साफ बताओ बताता हूँ पहले तुम बैठ जाओ इंस्पेक्टर चटवाल तनिक हिचकिचाता हुआ उसके करीब दीवान पर बैठ गया रुस्तम भाई ने उसके सामने धीरे धीरे वह सारा वार्तालाप दोहरा दिया जो उस रोज एल्फ्रेड के बार में उसके और उस रहस्यमय मराठे के बीच हुआ था सारी बात सुन चुकने के बाद इंस्पेक्टर कई क्षण खामोश रहा वे लोग फिर वह बोला कोई बैंक लूटने की फिराक में है ऐसा ही होगा रुस्तम भाई बोला इतना रुपया और कहां से हासिल हो सकता है उसने साफ साफ कहा था कि इस काम का सरगना सोहल था हां यह नहीं हो सकता सोहल मुंबई में नहीं हो सकता फिर उसने सोहल का नाम क्यों लिया तुम पर रोग गांठने के लिए सोहल के साथ अपने गठजोड़ का जिक्र करके वह तुम्हारी निगाहों में ऊंचा उठना चाहता होगा रुस्तम भाई खामोश रहा सोहल मुंबई में नहीं है इंस्पेक्टर निश्चात्मक स्वर में बोला अव्वल तो वह पुलिस की निगाहों से ही नहीं बच सकता था हमसे बच जाता तो इकबाल सिंह के आदमियों की निगाहों में आने से नहीं बच सकता था आज के मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बादशाह इकबाल सिंह की जिंदगी का दारोमदार इसी बात पर है कि सोहल जिंदा न रहे तुम खुद ही सोचो सोहल की तलाश में उसने क्या कोई कोशिश उठा रखी होगी नहीं सोहल मुंबई में न है और न हो सकता है उस आदमी ने सोहल का नाम लेकर खामखा तुम पर रोग गालिब करने की कोशिश की है ऐसा लगता तो नहीं था ऐसा ही है शायद सोहल पहले मुंबई में न हो लेकिन अब यहां पहुंचने वाला हो मुझे उम्मीद नहीं चलो सोहल वाली बात झूठी ही सही लेकिन वह छा करोड़ वाली बात तो चौकस है आखिर मुझे उसमें शामिल होने की पेशकश है उस मराठे को तुम कतई नहीं जानते जिंदगी में तुमने पहले कभी उसकी सूरत तक नहीं देखी न लेकिन वो तुम्हें जानता था बाखूबी हैरानी है अपना कोई नाम भी उसने नहीं बताया था न अगर वह कोई सजायाफ्ता मुजरिम हुआ तो पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड होगा मैं अगर पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद मुजरिमों की तस्वीरें तुम्हें दिखाऊं तो तुम उसे पहचान लोगे तस्वीर होगी तो पहचान ही लूंगा लेकिन बाप उससे हासिल क्या होगा जब भीड़ पहचानने की सुविधा सामने है तो तस्वीर पहचानने में सिरखेपाई करने से क्या फायदा मतलब मेरा जवाब हासिल करने के लिए कल शाम छह बजे उसने एल्फ्रेड के बार में मेरे से फिर मिलना है कल एल्फ्रेड के बार खुद आकर देख लेना कि मुझसे मिलने कौन आता है फिर तुम उसे गिरफ्तार कर लेना और उसी से कबूलवा लेना कि उसने सोहल के बारे में झूठ बोला था या सच अगर सच बोला होगा तो उसे यह भी मालूम होगा कि सोहल कहाँ है इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया उसके लिए तुम्हारा जवाब क्या होगा फिर उसने पूछा। मौजूदा हालात में तो इनकार ही होगा जो आदमी खुद डूबने जा रहा हो मैं भला उसके साथ क्यों डूबूंगा ठीक है कल चार बजे मैं तुमसे दोबारा बात करूंगा तुम मुझे यही मिलना याद रखना कल मेरे से बात किए बिना तुमने एल्फ्रेड के बार में नहीं जाना है कबूल इंस्पेक्टर ने उठने का उपक्रम किया उठने से पहले उसका हाथ अपने और रुस्तम भाई के बीच में रखी नोटों की दोनों गड्डियों पर पड़ा बाप रुस्तम भाई ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और दांत निकालकर हंसता हुआ बोला अब रोकड़ा तो छोड़ो चुपरी और दो दो वाली बात तो मत करो सोहल की गिरफ्तारी की कोई गारंटी थोड़ी ही है इंस्पेक्टर कठोर स्वर में बोला लेकिन उस मराठे की गिरफ्तारी के बाद छह करोड़ की डकैती के नाकाम होने की तो गारंटी है वह क्या छोटा मोटा काम होगा उससे क्या तुम्हारी कम जय जयकार होगी एक दो बदले में मुझे क्या मिलेगा तुम्हारा ड्राइवर बमय तुम्हारी मर्सिडीज गाड़ी यहां लौट आएगा रोजनामचे में इस बात का जिक्र नहीं होगा कि तुम्हारे ड्राइवर ने तुम्हारे खिलाफ क्या मुंह फाड़ा था और माल माल नहीं मिल सकता माल मालखाने में जाएगा और पैसेंजर हवालात में माल या पैसेंजर की वजह से मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी नहीं रुस्तम भाई ने उसके हाथ पर से अपना हाथ हटा लिया और नोटों की दो गड्डियों में से एक उसे उठा लेने दी इंस्पेक्टर ने गड्डी अपनी वर्दी की एक भीतरी जेब के हवाले की और बोला कल चार बजे रुस्तम भाई ने सहमति में सिर हिलाया इंस्पेक्टर चटवाल बिना उस पर दोबारा दृष्टिपात किए वहां से विदा हो गया रुस्तम भाई को यह बात बाद में मालूम हुई कि वह इंस्पेक्टर वहां अकेला आया था तब उसे अपनी उस जल्दबाजी और हड़बड़ाहट पर बहुत अफसोस हुआ जो उसने इंस्पेक्टर के सामने दिखाई थी इतना मूर्ख वह नहीं था कि न समझ पाता कि वहां अकेले आए इंस्पेक्टर का इरादा उसे गिरफ्तार करने का या वहां की तलाशी लेने का नहीं हो सकता था अगर उसने ऐसा करना होता तो वह पुलिसियों के भारी लाभ लश्कर के साथ वहां पहुंचा होता निश्चय ही वह वहां रुपया एंट ने ही आया था और अगर रुस्तम भाई बीस हज़ार पर पसरा रहता तो ज़रूर वह उतने से ही तसल्ली कर लेता अब उसे इस बात का अफसोस था कि उसने उस मराठे के बारे में खाम खाम मुमफाड़ा था जो कल एल्फ्रेड के बार में उससे दोबारा मिलने आने वाला था एस्ट्रिस्क 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 अपने मराठा मेहमान को भंडारी दरवाजे तक छोड़ने आया मुलाकात दोनों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई थी मराठा तो उस मुलाकात से बहुत ही संतुष्ट हुआ था मराठा एक टैक्सी पर सवार हो गया और कमाठीपुरे पहुंचा वहां उसने तीन आदमियों से मिलना था जिनके तीन जुदा जुदा, जुदा जगह होने की संभावना थी लेकिन संयोगवश जिस ईरानी रेस्टोरेंट में उसे पहला आदमी अकबर मिला वहीं उसे जयरथ और रामन्ना नाम के बाकी के दो आदमी भी मिल गए तीनों मराठे के मुरीद थे और उसकी छ करोड़ की योजना उसके बराबर के हिस्सेदार थे चारों रेस्टोरेंट के एक कोने में सिर जोड़कर बैठ गए और मराठा धीरे धीरे समझाने लगा कि आगे उन्होंने क्या करना था ठीक अंत में मराठा बोला तीनों ने सहमति में सिर हिलाया कर लोगे यह काम बड़े आराम से अकबर बोला बढ़िया मराठा उन तीनों को वही बैठा छोड़कर सड़क पर पहुंचा और एक टैक्सी पर सवार हुआ वह चैंबूर पहुंचा वहां एक इमारत का ताला खोलकर उसने भीतर कदम रखा भीतर टेलीफोन की घंटी पहले से बज रही थी वह लपक कर टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचा उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला हल्लो कौन मैं वागले बोल रहा हूं आवाज आई यह मैंने चौथी बार फोन किया है मैं अभी लौटा हूं तू तो कहां से बोल रहा है कल्याण से क्या खबर है बहुत बढ़िया खबर है वो यहाँ है वहां यहाँ बड़े पोस्ट ऑफिस के करीब बेवड़े का एक अड्डा है वहां वहां वो क्या कर रहा है वही जो बेवड़े के अड्डे पर किया जाता है बेवड़ा पी रहा है तूने उसे ठीक से पहचाना है एकदम ठीक से पहचाना है लेकिन अगर तू उसे पहचान सकता है तो और लोग भी तो तू पहचान सकते हैं और लोग नहीं पहचान पाए हैं वह बहुत खस्ता हालत में है मैं मालूम किया है एक महीने से रोज वहां आ रहा है अगर किसी ने पहचानना होता तो अब तक पहचान लिया होता मैं आ रहा हूं मैं फौरन आ रहा हूं ठीक है मैं अड्डे के बाहर मिलूंगा मेरे पहुंचने तक वह कहीं चला तो नहीं जाएगा नहीं जाने का वो आधी रात तक नहीं जाने का रोज ऐसा ही होता है तू चौकस रहना जरूरत पड़े तो उसकी हिफाजत करना ठीक है मैं आ रहा हूं उसने रिसीवर क्रेडल पर पटका और उल्टे पाव इमारत से बाहर निकल गया आंधी तूफान की रफ्तार से वह कल्याण रवाना हो गया एस्ट्रिस्क 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 जेकब सर्कल पर नायर एंड कंपनी इंटीरियर डेकोरेटर्स के ऑफिस के सामने अकबर टैक्सी से उतरा उससे पहले उसी टैक्सी पर अपने दोनों साथियों के साथ वह सायन गया था जहां की नायक एंड कंपनी के मालिक तोलाराम नायक के फ्लैट वाली इमारत के सामने जयरथ और रामन्ना टैक्सी से उतर गए थे अकबर पूरे पांच मिनट टैक्सी में बैठा रहा था पाँच मिनट तक उसके साथियों का वापस न लौटना इस बात की तरफ इशारा था कि भीतर सब काम चौकसी से हो गया था और फिर जेकब सर्कल पहुंच गया था अकबर एक मुश्किल से 25 साल का निहायत खूबसूरत नौजवान था जो कि हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर मुंबई आया था लेकिन एक्स्ट्रा भी नहीं बन सका था जल्दी ही वह चोरी के धंधे में पड़ गया था और इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत साबित हुआ था कि अभी तक एक बार भी पुलिस के बखेरे में नहीं फंसा था इसी बात ने उसके हौसले बुलंद कर दिए वे और अब वह अपनी औकात से बहुत बड़ा हाथ मारने के लिए कदम उठाने जा रहा था पढ़ा वह चार माते भी नहीं था लेकिन सूरत से इतना जहीन लगता था जैसे कोई आलम फाजिल हो उसने ऑफिस में कदम रखा और मालिक से मिलने की इच्छा व्यक्त की एक चपरासी उसे ऑफिस के पिछवाड़े में बने एक केबिन में छोड़ गया जो नायक एक अधेरावस्था का मोटा थुल, थुल आदमी था अकबर के व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ उसकी इकलौती औलाद आठ साल का एक लड़का था चाहता था कि बड़ा होकर वैसा ही लंबा ऊंचा नौजवान निकलता जैसा कि वह आगंतुक खूबसूरत युवक था अकबर ने बड़े अदब से नायक का अभिवादन किया और बोला बंदे को खान कहते हैं बैठो नायक बोला शुक्रिया अकबर एक कुर्सी पर बैठ गया आप नायक साहब हैं ना इस कंपनी के मालिक हाँ क्या चाहते हो मैं आपसे एक निहायत जरूरी बात करना चाहता हूं क्या बात बात जरा खुफिया किस्म की है यहां हमारी गुफ्त कोई को सुन तो नहीं लेगा ऐसी क्या बात है बताता हूं बताने के लिए ही आया हूं लेकिन यहां हमारी गुफ्त कोई सुन तो कोई नहीं सुनेगा क्या बात है आप थोड़ा आगे हो जाइए ताकि मुझे ऊंचा न बोलना पड़े नायक मेज पर तनिक आगे को झुक गया और सस्पेंस रे स्वर में बोला क्या बात है नायक साहब आपको आलमगीर आर्ट गैलरी के एक हाल में फाल सीलिंग डालने का काम मिला है तुम्हें कैसे मालूम एक उड़ती चिड़िया ने बताया है लेकिन बात सच है ना? है तो क्या हुआ कल वहां आप अपने उन कारीगरों के नाम भेजने वाले हैं, जो आने वाले चार दिनों में वहां फाल्स सीलिंग डालने का काम करेंगे ताकि उनके पास बन सके और बीच में पड़ने वाली दो छुट्टियों में भी वो वहां काम कर सके दुरुस्त दुरुस्त तो हुआ लेकिन तुम इतना कुछ कैसे जानते हो और तुम्हारा इन बातों से क्या वास्ता है नायक साहब मैं आपको उन तीन कारीगरों के नाम बताने आया हूँ जो आप वहां भेजेंगे क्या उनके नाम है अकबर खान सुरेश जयरत और विजय रामन्ना अरे तुम पागल तो नहीं हो नायक एकाएक झल्ला पड़ा मैं अपने खुद के आदमियों को छोड़कर भला इन अजनबियों को वहां क्यों भेजूंगा क्योंकि इसी में आपकी भलाई है मेरी भलाई है मेरी क्या भलाई है इसमें आपके या आपके सगे वालों के साथ कोई हादसा नहीं होगा क्या बक रहे हो मेरे सगे वालों के साथ भला कोई हादसा क्यों होगा बुरे वक्त का कुछ पता लगता है जनाम पता नहीं कब आ जाए तुम किन्हीं तीन कारीगरों के लिए मेरे से मुलाजमत चाहते हो सिर्फ इस काम के लिए बिना किसी पगार के वजह वजह बहुत पेचीदा है आपकी समझ में नहीं आएगी और यह मुलाजमत तुम मुझे डरा धमका कर हासिल करना चाहते हो नहीं मिन्नत समाजत करके और अगर मुझे तुम्हारी मिन्नत समाजत कबूल न हो तो कबूल हो जाएगी मुझे नहीं कबूल दफा हो जाओ यहां से वरना धक्के मारकर निकलवाऊंगा दफा हो जाने के नाम पर अकबर अपनी जगह से हिला भी नहीं वह केवल बड़े धैर्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराया मैं तुम्हें किसी भले घर का चिराग समझा था लेकिन लगता है तुम्हारी सूरत ही भले लोगों जैसी है असल में जरूर तुम कोई गुंडे बदमाश हो मवाली हो एक सेकेंड में यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा पहले फैसला कर लीजिए कि आप मुझे गिरफ्तार करवाएंगे या सिर्फ धक्के मारकर यहाँ से निकलवाएंगे मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ ऐसे ही सूरमा हो तो बैठे रहना यहाँ सूरमा मैं नहीं हूँ लेकिन आपका हुक्म मैं जरूर बजाऊंगा बैठा रहूंगा मैं यहाँ बड़े गुस्से से नायक ने टेलीफोन अपनी तरफ घसीटा पुलिस को फोन करने से पहले अकबर पूर्ववत विनीत भाव से बोला मेरी एक दरखास्त और सुन लीजिए कृत। पहले आप घर फोन कर लीजिए वो किस लिए कर तो लीजिए जनाब फिर शायद पुलिस को फोन करना जरूरी न लगे आपको नायक सपकाया उसने गौर से अकबर को देखा लेकिन उसके चेहरे से वह कोई अतिरिक्त बात न पढ़ पाया फिर एकाएक उसका दिल किसी अज्ञात आशंका से लड़ जा वह छोरा पुलिस के नाम से डर क्यों नहीं रहा था और उसे घर फोन करने को क्यों कह रहा था बड़े सशंक भाव से उसने अपने घर का टेलीफोन नंबर डायल किया कुछ क्षण घंटी बजती रही फिर दूसरी तरफ से फोन उठाया गया हल्लो नायक तनिक विचलित स्वर में बोला कौन hm? मैं मैं अचला बोल रही हूं। उत्तर में उसकी पत्नी बोली क्या बात है अचला तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो एक आदमी अचला आतंकित स्वर में बोली मेरी कनपटी से पिस्तौल सटाए मेरे सिर पर खड़ा है क्या नायक बुरी तरह चौंका अकबर बोला धीरे एक और आदमी वैसे ही मुझे की छाती पर पिस्तौल सटाए खड़ा है जी मुझे बहुत डर लग रहा है जी कहीं मुन्ने को कुछ तुम बिल्कुल मत घबराओ अचला मुने को कुछ नहीं होगा ये आदमी भी अभी चले जाएंगे मैं अभी फिर फोन करता हूं नायक ने धीरे से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया उसने फिर अकबर की तरफ देखा और तनिक कंपित स्वर में बोला वो तुम्हारे साथी है अकबर ने बड़े अदब से सहमति में सिर हिलाया अब वह बोला इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप पुलिस को यहाँ बुलाएंगे तो आपकी बीवी और आपके बच्चे का क्या अंजाम होगा इतना कुछ तुम महज इसलिए कर रहे हो क्योंकि आर्ट गैलरी की फाल सीलिंग बनाने का काम तुम लोग करना चाहते हो जी हाँ काम तुम्हें आता है आता है आपके कारीगरों से बेहतर आता है आपके पास काम की कोई शिकायत नहीं आएगी लेकिन ऐसा तुम करना क्यों चाहते हो उत्तर में अकबर केवल यानी कि बताना नहीं चाहते कितने समझदार है आप अगर मैं तुम्हारा कहना मान लू तो तुम मेरे बीवी बच्चे का पीछा छोड़ दोगे जरूर छोड़ देंगे बीवी का फौरन और बच्चे का कुछ दिन बाद बच्चे का कुछ दिन बाद क्या मतलब इस वक्त आप कहना मान रहे हैं लेकिन कहना मानते ही रहेंगे इसके सबूत के तौर पर हम आपके बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे क्या हम नहीं चाहते कि हमारे पीठ फेरते ही आप पुलिस की शरण में पहुंच जाएं मैं ऐसा नहीं करूंगा आप ऐसा नहीं करेंगे इसी की गारंटी के लिए बच्चे का हमारे अधिकार में होना जरूरी है लेकिन मैं वादा करता हूँ कि वादा करने का काम मुझे करने दीजिए मैं वादा करता हूँ कि आपके बच्चे का बाल भी बाका नहीं होगा जिस दिन आर्ट गैलरी का काम खत्म हो जाएगा उससे अगले दिन आपका बच्चा आपके घर आ जाएगा तुम्हारा इरादा क्या है वह भी आपको उसी दिन मालूम होगा जिस दिन आपका बच्चा घर लौटेगा देखो अगर तुम कोई रुपया पैसा चाहते हो तो हम सिर्फ आपका सहयोग चाहते हैं मुझे क्या करना होगा अभी बताया तो था मैंने फिर सुन लीजिए अकबर धीरे धीरे नायक को समझाने लगा कि उसने क्या करना था आस्टरिस्क, आस्टरिस्क, आस्टरिस्क। वह एक देसी शराब का अड्डा था जो कि एक खपरेल की छत वाले विशाल हाल में चलता था हाल में छत को सहारा देने के लिए जगजगा बल्लियां गड़ी हुई थी फर्नीचर के नाम पर वहां अधिकतर बेंचे थी और बेंचो जैसी ही रोती कराती मेजे थी जिनके आजू बाजू दस दस आदमी बैठ सकते थे हाल के पिछले कोने में तीन चार छोटी छोटी चौकोर मेजे भी थी जिनके इर्द गिर्द चार चार कुर्सियाँ लगी हुई थी उन मेजों पर धज्जियों से जरा बेहतर शराब चटनी सालन वगैरह से दागदार हुए मेजपोश बिछे हुए थे उन मेजों में से एक पर एक व्यक्ति बैठा था जो कि उस वक्त वहां से काफी परे द्वार के करीब बने बारुमा काउंटर के सामने खड़े मवाली से लगने वाले वहां के दो वेटरों की निगाहों का मरकज था हाल उस वक्त आधे से ज्यादा खाली था जिसकी वजह से कोने की मेजों में से एक पर तन्हा बैठा वह व्यक्ति और भी तन्हा लग रहा था उसके सामने देसी शराब की एक बोतल पड़ी थी जिसे वह तकरीबन आधी खाली कर भी चुका था उसकी आंखें लाल थी पेशानी पर थकान की लहरिंग थी चेहरे पर बरसती फटकार उसकी बढ़ी हुई शेव में भी नहीं छुप रही थी उसके कपड़े मैले कुचैले और बेतरतीब थे आंखों पर उसने एक चश्मा लगाया हुआ था जिसके लेंस धुंधलाए हुए से थे और जो रह रहकर उसकी नाक की फुंगी पर ढलक आता था वह अपना चश्मा नाक पर दुरुस्त करता था तो अपने उसी एक्शन में अपने बिखरे बालों में भी उंगलियां फिरा लेता था अलबत्ता अपने रूखे गुसल को तरस से बालों को कोई तरतीब देने में वह कामयाब नहीं हो पाता था बवाली से लगने वाले दो वेटरों में से एक अधेरावस्था का था और वह तहमद और बनियान पहने था दूसरा अपेक्षाकृत जवान था और वह स्टंट फिल्मों के फाइट मास्टरों के शगिर्दों जैसा लग रहा था वह टाइट जीन्स और टी शर्ट पहने था और गले में एक रूमाल बांधे था अजीब आदमी है युवा वेटर बोला अधेर वेटर ने सहमति में सिर हिलाया साला यूं बेवड़े की बोतल पर बोतल चढ़ाए चला जाता है कि क्या मछली पानी पीती होगी हाँ इतनी दारू कोई दूसरा पिए तो तीन दिन होश न आए लेकिन यह साला फिर अगले रोज अड्डा खुलते ही आया बैठा होता है जरूर टांगे खोखली होंगी किसी के पेट में तो इतना दारू समा नहीं सकता शक्ल देख कैसी विकराल बनाकर रखता है मुझे तो कभी कभी डर लगता है इसकी सूरत से साला पता नहीं कब से नहाया नहीं पानी के करीब भी नहीं फटका बेवड़े से जो हाथ मुंह धो लेता है पता नहीं कौन है जो कोई भी है अपने तो फायदे का है वो कैसे मैं कितनी ही बार इससे दारू के दोबारा दोबारा पैसे ऐंठ चुका हूँ जब तुन्न हो जाता है तो मैं इससे बेवड़े का रोकड़ा मांगता हूँ आधी रात को जब जाने लगता है तो मैं फिर बिल पेश कर देता हूँ और यह बिल दे देता है हाँ युवा वेटर बड़े कुटिल भाव से मुस्कुराया हमेशा हमेशा तो नहीं पर चार पांच दिन में एक बार तो यह करतब चल ही जाता है साला पैसे वाला आदमी मालूम होता है पैसे वाला अधेड़ वेटर ने नाक चढ़ाई ऊहा क्या हुआ जरा मुंडी इधर कर कोई खास बात है हाँ युवा वेटर ने अपना कान अधेड़ वेटर के करीब कर दिया कल अधेर वेटर रहस्यपूर्ण स्वर में बोला अड्डा बंद होने के बाद जब यह यहाँ से रवाना हुआ था तो मैं इसके पीछे लग गया था रास्ते में मैंने इसे दबोच लिया था और घसीट कर एक अंधेरी गली में ले गया था वहां मैंने इसकी जेबें टटोली थी तो सिर्फ तीन सौ रुपए निकले थे इसकी जेब में से ओ युवा वेटर नेत्र फैलाकर बोला वह एक क्षण ठिठका और फिर बोला इसने कोई चू चपड़ नहीं की थी नक्को निरातुन्न था साला चू चपड़ करता तो मैं साले का पेट फाड़ देता फिर तो चू चपड़ न करके सस्ता छूटा और क्या पन उस्ताद बोले तो बेवड़े के लिए रोज का रोज पैसा कहाँ से ले आता है यही मैं सोच रहा हूं कल मैं इसका रोकड़ा झटक कर ही लौट आया था आज मैं इसके पीछे जाऊंगा देखूंगा साला कहां से आता है और जहां से आता है वहां कोई माल पानी जमा है या नहीं उस्ताद का एक, एक युवा वेटर उसकी बाह दबाता हुआ बोला आज तो कमाल हो गया क्या हुआ अपने चश्मा मास्टर को देखो अधेर वेटर ने फिर उधर निगाह उठाई तो एक कोई पचास साल के हट्टे कट्टे तंदुरुस्त व्यक्ति को बेवड़ा पीते तन्हा युवक के करीब एक कुर्सी पर बैठते पाया एक महीने में वह बड़बड़ाया यह पहला मौका है जब कोई इसके करीब फटका है उस्ताद यह कोई हमारा बकरा खुद बांध ले जाने की फिराक में न हो सब्र कर यह क्या चीज है अभी मालूम हो जाएगा दोनों खामोश हो गए तनहा बैठे युवक के करीब पहुंचे व्यक्ति के चेहरे पर संजीदगी के भाव वे वह एक बहुत कठोर चेहरे वाला लंबा ऊंचा कद्दावर मराठा था जो एक मामूली सा सूट पहने था और हाथ में एक ब्रीफ थामे था वह नेहा शब्द युवक के पहलू में खाली कुर्सी पर बैठ गया और अपलक उसको देखने लगा ने बड़ी मेहनत से सिर उठाया अपनी मेज पर किसी को आए बैठा पाकर उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव आए उसने अपनी नाक की फुंगी पर फिर से सरक आए अपने चश्मे से आगंतुक को देखा दो तीन बार आंखें मिचमिचाई एक उंगली से चश्मा वापस नाक पर सरकाया फिर एकाएक उसकी मिचमिचाती आंखें फैल गई तुकाराम उसके मुंह से निकला आगंतुक खामोश रहा और पूर्ववत अपलक उसे देखता रहा तुकार युवक फिर बोला इस बार उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे एकाएक -एक उसका सारा नशा काफूर हो गया हो शुक्र है तुकाराम धीरे से बोला पहचाना तो अपने सरदार साहब ने तुम यहां हां मैं यहां लेकिन कैसे कैसे तुकाराम ने कोई उत्तर देने का उपक्रम न किया उसने अपना ब्रीफकेस उठाकर उसे मेज पर रखा और उसे खोलकर उसमें से जानीवा कर ब्लैक लेबल की एक बंद बोतल बरामद की ब्रीफकेस उसने वापस कुर्सी के पाए के पास उबड़ खाबड़ फर्श पर रख दिया उसने बोतल युवक के सामने रखी और बोला यह मैं तेरे लिए लाया हूं अपने सरदार को बेवड़ा पी पीकर जान देते पाकर सोचा कि क्यों विस्की पीकर तरीके से मरे मुझे सरदार न कहो हाँ यह तो गलती हुई मुझसे सरासर गलती हुई तुझे सरदार कहना तो सरदारों की बेइज्जती है जो शख्स से छोकरी की खातिर बेवड़ा पी पीकर जान देने पर तुला हो वो सरदारों की बहादुर जामबाज और सूरमा कौम से ताल्लुक रखता भला कैसे हो सकता है मैं मुझे विमल या या सोहल या अपनी जलील मौत के करीब पहुंचकर तूने अपना कोई नया नाम रख लिया है नाम रखने में तो माहिर है ही तू एकदम भगवान श्री कृष्ण है भगवान से भी एकाद ज्यादा ही नाम होगा तेरा सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल उर्फ विमल कुमार खन्ना उर्फ गिरीश माथुर उर्फ बनवारी लाल तांगे वाला उर्फ रमेश कुमार शर्मा उर्फ कैलाश मल्होत्रा उर्फ बसंत कुमार मोटर मकैनिक उर्फ नितिन मेहता उर्फ कालीचंद अब कौन सा नया उर्फ जोड़ा है तूने अपने नाम के साथ अभी तक कोई नया नाम न रखा हो तो कोई ऐसा नाम रखना जिसे सुनने भर से लोग समझ जाए कि नाम उस शख्स का है जो एक औरत की खातिर बेवड़ा पी पी कर खुदकुशी करने का ख्वाहिशमंद है तुकाराम, विमल तनिक आवेशपूर्ण स्वर में बोला वह एक औरत नहीं थी नीलम थी तेरी माँ भी एक औरत नहीं थी तेरी मां थी बकौल खुद तेरी माँ तेरी जन्नी इलाहाबाद में तेरी आंखों के सामने तब मर गई थी जब तू अदालत में मुजरिमों के कटघरे में खड़ा था जब तेरी माँ मरी थी तभी तू भी उसके साथ क्यों नहीं मर गया था इसका मतलब क्या मैं यह लगाऊं कि नीलम मुझे अपनी माँ से ज्यादा अजीज़ थी उस माँ से ज्यादा अजीज थी जो अपनी औलाद की मुसीबत की खबर सुनकर उसकी मुहाफिज बनने के लिए खड़े पैर तेरे गाँव सोहल से इलाहाबाद पहुँची थी और भरी अदालत में तेरे सामने गिरकर मर गई थी इसलिए मर गई थी क्योंकि उसकी बूढ़ी निगाहों को अपने तनहा बेसहारा बेटे की दुश्वारी बर्दाश्त नहीं हुई थी अपनी ऐसी माँ की मौत के बाद तू जिंदा रह सका नीलम की मौत के बाद जिंदा नहीं रह सकता तेरी जो कायना तेरी माँ के बिना न उजड़ी वह तेरी माशुक के बिना कैसे उजड़ गई अब कह कि बतौर आशिक तो तू बहुत फरमा बरदार है लेकिन बतौर औलाद तू निरा नाशुकरा था कह अपनी जुबान से कहता क्यों नहीं तुकाराम मुझे क्या आंखें दिखाता है मैं क्या तेरी आंखों का खौफ खाने के लिए यहाँ आया हूँ तो फिर क्यों आए हो? मैं तुझे कुछ याद दिलाने आया हूँ कि मरने वाले के साथ मर जाने में कोई बहादुरी नहीं मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि जिस जंग में तेरी नीलम की जान गई थी उसी में मेरे चार भाई भी शहीद हुए थे वो चार भाई शहीद हुए थे जिनमें से एक देवाराम सिर्फ बाईस साल का था मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि इंसान का बच्चा अव्वल तो किसी को धमकी देता नहीं लेकिन जब धमकी देता है तो उस पर खरा उतर कर दिखाता है तू कैसा इंसान का बच्चा है जो अपनी धमकी पर खरा उतरने की जगह एक मरियल सियार की तरह यहाँ दुबका बैठा बेवड़े में डुबकियाँ लगा रहा है मैंने किसे धमकी दी अच्छा तुकार व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला तो अब यह भी याद नहीं तो अब तेरा भेजा बिल्कुल ही नशे के हवाले हो चुका है मुंबई में नीलम की मौत के बाद बखिया का हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले तू उसके अहदेदार इकबाल सिंह को क्या धमकी देकर आया था भूल गया तूने उसे नहीं कहा था कि राज बहादुर बखिया की कंपनी जैसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कोई संस्था जब जब इस मुल्क में सिर उठाएगी तब तब तू उस पर कहर बनकर टूटेगा तूने इकबाल सिंह को नहीं कहा था कि वह बखिया बनने की कोशिश न करे वह वह तूने कहा और वो मान गया नहीं माना खुद जाकर देख कि माना या नहीं आज मुंबई शहर में वह बखिया की जगह बखिया बना बैठा है लेकिन मुझे क्या मुझे तो याद भी नहीं कि तूने उसे क्या धमकी दी थी नीलम के गम में डूब मरने का अहम काम जो कर रहा है तू मैं क्या करूं? विमल कातर भाव से बोला मेरे से पूछता है हां तो सुन सबसे पहले तो तू अपने आप को याद दिला कि तू कोई आम इंसान नहीं से कबूल कर लू कि जिस शख्स पर ऊपर वाले की मेहर की छतरी यूँ तनी हुई हो वह यहाँ इस दारू के अड्डे में बैठा बेवड़ा पीकर मर जाना चाहता है अपनी जिंदगी को मेरे से बेहतर तू खुद जानता है तू बेवड़ा पीकर मरने के लिए पैदा नहीं हुआ बेटा से कबूल कर लू कि जिस शख्स पर ऊपर वाले की मेहर की छतरी यूं तनी हुई हो वह यहाँ इस दारू के अड्डे में बैठा बेवड़ा पीकर मर जाना चाहता है अपनी जिंदगी को मेरे से बेहतर तू खुद जानता है तू बेवड़ा पीकर मरने के लिए पैदा नहीं हुआ बेटा आखिरी वाक्य कहते कहते खुद तुकाराम की आवाज भग गई मैं मानता हूँ नीलम की मौत तेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है एक क्षण बाद वह फिर बोला लेकिन यह कोई ऐसा सदमा नहीं जिसका शिकार सृष्टि में तेरे अलावा कभी कोई न हुआ हो मैं मानता हूँ कि बखिया ने नीलम पर बहुत जुल्म ढाए थे लेकिन वो जुल्म भी ऐसे न थे जो कभी किसी औरत जात पर न हुए हो तेरी ट्रेजेडी बेमिसाल है भी तो उसका हल वह नहीं जो तूने अख्तियार किया है मरना ही चाहता है तो ऐसी मौत क्यों मरता है जो मुझे बेवड़ा पीकर हासिल होगी जाकर तरीके से मर तरीके से तेरी नीलम पर बने वालों में इकबाल सिंह भी था लेकिन तूने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसने बखिया न बनने का वायदा किया था अब जाकर उससे भिड़ और उसे उसकी वादा खिलाफी की सजा दे या मार या मर इकबाल सिंह के हाथों तू मर भी गया तो वह मौत इस मौत से कई दर्जे अच्छी होगी जो मुझे बेवड़े में गोते लगाने से हासिल यह भूल कि तू इंसान है पशु नहीं मैं इंसान हूँ विमल यू होठोर में बुदबुदाया जैसे खुद अपने आप को आश्वासन दे रहा हो इंसान की पहचान इस बात से भी होती है कि केवल वही विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है पशु ही परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं बेटा इंसान नहीं वक्त की मार के आगे हथियार डालकर यू परिस्थितियों के अनुकूल बनते चले जाने की कोशिश न कर बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर दिखा हालात से जूझने की कुवत पैदा कर अपने आप में हौसलामंद बन कमजोर न बन यह ना समझ कि एक औरत के आगे तेरी दुनिया खत्म है यू नाउमीद ना हो हिम्मत न खड़ा हो और दुश्वारियों के आंधी तूफानों के आगे पहाड़ की तरह तंजा बिजलियों से हाथ मिला बादलों की तरह गर्ज सोते से जाग जा बेटा खड़ा हो जा खड़े का खालसा बन जा खालसा बन जा विमल ने अपने सिर को झटका दिया और यूं जोर से मेज पर हाथ मारा कि बेवड़े की बोतल और गिलास परे जा गिरे हाल में मौजूद कई लोगों ने चौंककर कर उधर देखा अपनी तरफ उठी निगाहों का मुकाबला विमल की अब एकाएक स्थिर हो चुकी निगाहों से हुआ तो सब लोग हड़बड़ाकर परे देखने लगे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले तुकाराम कह रहा था खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ऐसा ही होगा विमल धीरे से बोला अब उसकी आवाज नशे से थरथरा नहीं रही थी शाबाश शाबाश बेटा तेरी हालत देखकर तो मेरे छक्के छूट गए थे लेकिन शुक्र है अभी तू नाउमीदी के उस हाल में नहीं पहुंचा जहां से वापस लौटकर आना नामुमकिन होता है तुम्हें मेरी खबर कैसे लगी वैसे ही जैसे इकबाल सिंह को लग सकती है इकबाल सिंह को हाँ उसके सिर पर तेरी धमकी की तलवार लटक रही है जब तक तू जिंदा है तब तक वह निश्चिंत नहीं हो सकता वह बहुत दूर दूर तक तेरी तलाश करवा रहा है उसने तेरी मौत की खबर लाने वाले शख्स के लिए भारी इनाम मुकरर किया हुआ है शुक्र है तेरे तक पहले मैं पहुंचा उसका कोई जल्लाद नहीं जैसी हालत में मैंने मुझे पाया है वैसी में अगर बाल सिंह के किसी आदमी ने तुझे पाया होता तो उसके लिए यहाँ तेरी जान ले लेना एक मच्छर मसल देने जितना आसान काम होता तुम्हें मेरा परा कैसे लगा इतफाक से जैसे इकबाल सिंह ने अपने कई आदमी तुम्हारी तलाश में छोड़े हुए थे वैसे ही मैंने भी अपने कुछ आदमी तुम्हारी तलाश में लगाए हुए थे मुझे आज ही खबर मिली थी कि तू यहाँ था मैं दौरा चला आया खबर देने वाला आदमी तुम्हारा बहुत ही भरोसे का होगा क्यों पूछा मेरी गिरफ्तारी के लिए दो लाख रुपए का इनाम है उसने वह इनाम हासिल करने की कोशिश नहीं की वह तो सरकारी इनाम है तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की खबर वह इकबाल सिंह के पास लेकर जाता तो उसे दो की जगह बीस लाख मिलते यानी कि बहुत ही भरोसे का आदमी था वो हाँ तू जानता भी है उस आदमी को अच्छा कौन था वागले ओ जो आदमी बखिया के हेडक्वार्टर से तुझे और मुझे रिहाई दिलाने में संध्या का मददगार बना था वह इनाम के लालच में पुलिस या इकबाल सिंह को तेरी खबर नहीं कर सकता था विमल ने बड़ी गंभीरता से हुंकार भरी उसने जोर से आंखें मिचमिचाई चश्मा उतारकर उसे मेले मेजपोश के एक कोने से रगड़कर कर पोछा अपनी खुरदरी दाढ़ी पर पेशानी पर रूखे बालों में हाथ फिराया चश्मा वापस नाक पर टिकाया और फिर सिर उठाकर यूं यू सामने देखा जैसे पहली बार उस जगह का जायजा लेने की कोशिश कर रहा हो जहाँ कि वह मौजूद था उसकी निगाह पैन होती हुई सारे हाल में घूम गई फिर वह तब भी काउंटर के सामने खड़े दोनों वेटरों पर ठिटकी उसके नेत्र सिकुड़ गए और हो गए उस घड़ी उसके चेहरे पर और आंखों में पैदा हुआ अति कठोर भाव तुकाराम को बहुत सुखद लगा उस घड़ी विमल की आंखों में ऐसी ज्वाला धदकी जैसे वह सारी दुनिया को तबाह कर डालने की कुवत रखता हो बोतल उठाओ विमल बड़े गंभीर और सुसंगत स्वर में बोला तुकाराम ने हड़बड़ाकर मेज पर रखी जानीवा कर ब्लैक लेबल की बंद बोतल उठा ली और उसे वापस ब्रीफकेस में रख लिया छोकरा विमल तनिक उच्च स्वर में बोला युवा वेटर अपने अधेर साथी के पास से हटा और बहुत ही लापरवाही से टहलता हुआ विमल की मेज के करीब आ पहुंचा और बेवड़ा बाप। वह बोला नहीं विमल बड़े सब्र के साथ बोला वो जो दूसरा तहमद और बनियान वाला तेरे साथ खड़ा था उसका क्या नाम है अमरनाथ क्यों उसे यहां बुलाकर ला क्यों अगर बेवड़ा और विमल ने स्थिर नेत्रों से उसकी तरफ देखा बोलता है बोलता है युवा वेटर हड़बड़ाकर बोला अब्बी का अब्बी बोलता है बाप वह वहां से चला गया तुकाराम तो ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा विमल ने उसे कोई सफाई देने का उपक्रम न किया कुछ क्षण बाद युवा वेटर तहमदधारी उस अधेड़ वेटर के साथ वहां पहुंचा जिसका नाम उसने अमरनाथ बताया था अमरनाथ के चेहरे पर अवज्ञा के भाव थे और वह बड़े धृष्ट भाव से मुस्करा रहा था क्या है बाप वह बोला क्या मांगता है तेरा नाम अमरनाथ था विमल यू बोला जैसे उससे पूछ न रहा हो उसे बता रहा हो और तू यहाँ वेटर होता था, था क्या अमरनाथ बोला मैं यहाँ वेटर हूँ मेरा नाम अमरनाथ है विमल ने हाथ बढ़ाकर तुकाराम के कोट की ऊपरी जेब से उसका बाल पॉइंट पैन निकाल लिया कागज भी होगा वह बोला तुकाराम ने बड़े असमंजसपूर्ण भाव से ब्रीफकेस में से एक कोरा कागज निकालकर विमल के सामने रख दिया विमल ने जल्दी से कागज पर कुछ शब्द घसीटे और उसे अमरनाथ को थमाया यह क्या है वह हड़बड़ाकर बोला खुद देख हराम जादे विमल कहरबरे स्वर में बोला तेरे काम की चीज है अमरनाथ वह अप्रत्याशित जुबान सुनकर और भी हड़बड़ा गया उसने जल्दी से कागज पर लिखी इबारत पर निगाह दौड़ाई तुरंत उसके चेहरे पर भय के भाव प्रकट हुए इसे अपनी छाती पर टांक ले विमल बोला लोग बाग काफी सारे सवाल पूछने से बच जाएंगे एकाएक अमरनाथ थरथर थर कांपने लगा उसकी कापती उंगलियों में से कागज निकल गया और फड़फड़ाता हुआ मेज पर गिरा अपने उस्ताद की उस वक्त की हालत से चमत्कृत युवा वेटर ने वह कागज उठाया उसने बोल बोलकर कागज पर लिखी इबारत को पढ़ा लिखा था श्री अमरनाथ वल्द नामालूम साकिन कल्याण कल्याण में सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल की जेब में से तीन सौ रूपए निकालने की जरूरत करने की एवज में सोमवार दिनांक चौबीस फरवरी उन्नीस को सान्यकाल साढ़े छह बजे सोहल के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए फिर कागज उसके हाथ से भी छूट गया सोहल वह लड़खड़ाते स्वर में बोला थर थर कापते अमरनाथ ने जेब में हाथ डाला और सौ सौ के तीन मुड़े तुड़े नोट निकालकर विमल के सामने मेज पर डाल दिए फिर उसने आगे बढ़कर विमल के पाप पकड़ लिए और गिड़गिड़ाता हुआ बोला मुझे माफ कर दो बाप। मेरे को नहीं मालूम था कि उठकर खड़ा हो जा विमल पूर्ववत कहर भरे स्वर में बोला अमरनाथ उठा बाप वह और भी दयनीय भाव से गिर गिराया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं विमल खा जाने वाली निगाहों से युवा वेटर को घूरता हुआ बोला पहले से ही भयभीत युवा वेटर के छक्के छूट गए उसे और कुछ समझाने की जरूरत न पड़ी उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और उन्हें विमल के सामने रख दिया भय से उसकी घिघी बंधी हुई थी वह बड़ी कठिनाई से कह पाया बीस रुपए कम है वो मैं अब्बी के अब्बी अमरनाथ ने जल्दी से जेब से एक बीस का नोट निकाला और उसे यू मेज पर पड़े नोटों में रखा जैसे उसकी उस वाहिद हरकत से उसकी जान बख्शी की उम्मीद बन सकती हो अब तुम्हें विमल बोला दो लाख की मोटी रकम की जरूरत होगी नहीं नहीं अमरनाथ बोला हरगिज नहीं युवा वेटर बोला तुमने यह नहीं पूछा कि वह रकम कौन सी है और तुम्हें क्यों कर हासिल हो सकती है हमने नहीं पूछना बाप अमरनाथ गिर गिराया हमने नहीं हासिल करनी कोई रकम शायद किसी दूसरे ने हासिल करनी हो किसी दूसरे ने जिसे तुम पहला मौका हाथ आते ही बताओगे कि सोहल यहां था हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे जो कि मुझ पर तुम्हारा एहसान होगा नहीं नहीं बाप हम कुछ नहीं जानते हमारी यह एक खता माफ हो जाए तो हम समझेंगे कि हमारा दूसरा जन्म हो गया विमल ने युवा वेटर की तरफ देखा माफ कर दो बाप वह कंपित स्वर में बोला अपुन तुम्हेरी भेड़प क्रिया है आज के बेवड़े का कितना पैसा हुआ 18 रुपया इसमें से अठारह रुपए उठा कापते हाथों से युवा वेटर ने मुड़े तुड़े नोटों में से दो पांच पांच के और चार दो दो के नोट उठाए मेरा नाम याद रहेगा विमल ने पूछा उम्र भर नहीं भूलेगा बाप युवा वेटर बोला और सूरत वो तो अब भी याद नहीं बाप अमरनाथ बोला समझ लो हम दोनों अंधे हैं फूटो एक क्षण दोनों यू खड़े रहे जैसे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो फिर वे यू वहां से भागे जैसे भूत देख लिया हो तुकाराम के होठों की कोरों पर एक मुस्कराहट उभरी सोहल के जलाल से ताल्लुक रखता वह सारा वाक्या उसे बहुत पसंद आया था उससे साबित होता था कि जो आग उसने सोहल के सीने में धधकती तब देखी थी जब उसने अपने तीन भाइयों के साथ बखिया की बादशाहत की मुखालफत में सोहल से हाथ मिलाया था वह एकदम ठंडी नहीं पड़ चुकी थी बल्कि वक्ती तौर पर सिर्फ राख के ढेर के नीचे दब गई थी और वह खुश था कि उस राख को कुरेदने में वह कामयाब हो गया था बेवड़े के अड्डे से निकलकर विमल तुकाराम को उस झोपड़ी पट्टे की तरफ ले चला जहां की एक अंधेरी सीलन भरी बदबूदार खोली उसका वर्तमान आवाज थी रास्ते में एक क्षण को वह ठिठका क्या हुआ तुकाराम तनिक सकपका कर बोला विमल ने उत्तर न दिया कल्याण में गुजरे उसके दिनों की वह पहली शाम थी जब वह नशे में तुन्न होकर दीन दुनिया से बेखबर नहीं हो चुका था जब अपने आसपास के माहौल का उसे एहसास था पिछली गली में कहीं लाउड स्पीकर पर आरती हो रही थी जिसे कि वह कान लगाकर सुनने लगा गगन में थालू रवि चंदू दीपक बने तारिका मनंद जनक मोती रूपूमल आनो पवरू चवरो करे सगल बनराय फूलन ज्योति कैसी आरती हाई भव तेरी आरती जरूर नजदीक ही कहीं गुरुद्वारा था मैं अभी आया एकाएक वह बोला और आवाज की दिशा में लपका तुकाराम कुछ क्षण फिटका खड़ा रहा फिर वह भी उसके पीछे दौड़ा अनता सबद वाजंत भेरी सहस तव नैन नन नैन है तो ही सहस मूर्ति नना एक तो ही सहज पद विमल नन एक पद गंध विनु सहज तब गंध चलत मोह सब मही ज्योति है सोई गुरुद्वारा पिछली ही गली में था विमल उसके सामने पहुंचकर ठिठका फिर वह नीचे झुका उसने देहरी पर नाक रगड़ी वाहे गुरु सच्चे पादशाह मैं पापी तू बख्शनहार वह भाव्यवल स्वर में बोला जो तुद भावे नान का सोई भली खड़ा तुकारा, मंत्रमुग्ध सा सब कुछ देखता रहा। उस घड़ी उसने विमल के करीब आने की भी कोशिश न की वाहे गुरु का खालसा सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल गुना की दुनिया में उसका हमनशी बनने भी लौट रहा था तो गुरुद्वारे में मत्था टेककर ऐसा नेकनीयत और धर्म इंसान दुनिया की निगाह में खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम था मुल्क के कायदे कानून की निगाह में फौरन फांसी पर चढ़ा दिए जाने के काबिल था इंसानियत के ठेकेदारों की निगाह में एक हड़काए हुए पागल कुत्ते की तरह गोली मार दिए जाने के काबिल था बेवड़े के अड्डे पर अमरनाथ की अभी भी घिघी बंधी हुई थी उसका जिस्म रहरा कर पत्ते की तरह काम उठता था अड्डे के मालिक ने हैरानी से उसे देखा अबे क्या हुआ उसने पूछा वो यहां था अमरनाथ बड़ी कठिनाई से कह पाया कौन यहां था वो वो यहां था अबे कौन यहां था मालिक डर कर बोला किसी का नाम भी लेगा वो यहां था अमरनाथ ने फिर तोते की तरह रख दिया मालिक ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर जोर से झिंझोड़ा, बे कुछ फूटेगा भी कौन यहां था सोहन सोहल? कौन सोहल सोहन कहीं तू उस सोहल की बात तो नहीं कर रहा जो वही मालिक ने युवा वेटर की तरफ गर्दन घुमाई उसने भयभीत भाव से जल्दी से सहमति में सिर हिला दिया मालिक ने अमरनाथ के कंधे छोड़ दिए एकाएक अड्डे पर सन्नाटा छा गया फिर लोग धीरे धीरे आपस में खुसर पुसर करने लगे उस खुसर पुसर में जो एक शब्द कभी कभार सुनाई दे जाता था वह था सोहल सोहन सोहन एस्टरिस्क 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 तू तो नया चेहरा हासिल करने वाला था तुकाराम ने पूछा विमल की खोली तुकाराम ने फौरन छुड़वा दी थी बेवड़े के अड्डे पर वहां के दो वेटरों के सामने नशे में जो ड्रामा वह करके आया था उसकी रूम में तुकाराम को उसका कल्याण में एक क्षण भी फालतू ठहरना मुनासिब नहीं लगा था खबर आनंद फानन इकबाल सिंह तक पहुंच सकती थी कि विमल कल्याण में था वैसे भी उसने विमल को कल्याण से तो निकालना ही था उस वक्त वे एक काली एम्बेसडर में सवार थे जिसे तुकाराम का विश्वासपात्र लेफ्टिनेंट वागले चला रहा था तुकाराम विमल को बता चुका था कि वे मुंबई लौट रहे थे रवानगी से पहले विमल ने अपना हुलिया इतना दुरुस्त जरूर कर लिया था कि अब वह कब्रिस्तान से उठ खड़ा हुआ मुर्दा नहीं लग रहा था नया चेहरा, विमल यू बोला जैसे सपना देखता सोते से जागा हो हाँ काराम बोला तूने खुद कहा था कि अब उसी तेरी सलामती थी जब विमल धीरे से बोला सलामती की ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी तो उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। जो बीत बीत गया गया, सो गया, बेटा तुकाराम बोला, अब तू ख्वाहिश पैदा कर मैं साधन पैदा करता हूं साधन हां वह डॉक्टर वह प्लास्टिक सर्जन क्या नाम बताया था तूने उसका डॉक्टर स्लेटर हां कितनी फीस मांगी थी उसने मुझे नया चेहरा देने की पांच लाख लेकिन अब तो शायद दस मांगे क्यों क्योंकि बकौल उसके वह भले लोगों का नहीं गुंडे बदमाशों का डॉक्टर है और वह अपनी फीस नया चेहरा हासिल करने के ख्वाहिशमंद गुंडे बदमाशों के रुतबे और उनके सिर पर लगे इनाम की रकम के मुताबिक मुकरर करता है मेरे से पाँच लाख उसने तब मांगे थे जब मैं कदरन छोटा इश्तिहारी मुजरिम था जब मेरी गिरफ्तारी पर इनाम की रकम भी कम थी और कम राज्यों की पुलिस को मेरी तलाश थी तेरे पास दस लाख रुपए हैं मजाक कर रहे हो यानी कि नहीं है मेरे पास भी नहीं है लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमारे हाथ छह करोड़ रुपया लग सकता है हमारी अपनी मिल्कियत इस रकम का एक हिस्सा ही होगा लेकिन वह हिस्सा इतना काफी होगा कि मुझे नया चेहरा भी हासिल हो जाएगा और हम इकबाल सिंह से लोहा लेने के लिए साधन पैदा करने के भी काबिल हो जाएंगे ऐसी क्या तरकीब है मुंबई की आलमगीर आर्ट गैलरी का नाम तूने सुना होगा सुना है आने वाले दिनों में फ्रांसीसी सरकार के भारत से कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत आलमगीर आर्ट गैलरी में एक पखवाड़े के प्रदर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो और छागाल की 24 पेंटिंग आने वाली है विश्व भर के कला पारखियों ने उन 24 पेंटिंगों की कीमत 12 करोड़ रुपए आकी है पिकासो और छागाल की कला का शैदाई एक अमरीकी धनकुबेर उन पेंटिंगों को हासिल करना चाहता है वह पेरिस से उनकी चोरी के कई उपक्रम करा चुका है लेकिन कभी कामयाबी हासिल नहीं हुई कई सालों में पहली बार वे पेरिस से बाहर निकल रही है उसको उम्मीद है कि हिंदुस्तान में उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम उतने उम्दा नहीं होंगे जितने की फ्रांस में है उसका एक प्रतिनिधि आजकल मुंबई में है उसने उन पेंटिंगों की चोरी के लिए छह करोड़ रुपए की ऑफर रखी है मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसकी उस ऑफर को कबूल करने के लिए कोई सामने नहीं आया है लेकिन अब जबकि मैंने तुझे ढूंढ निकाला है तो वह ऑफर मैं कबूल कर सकता हूँ तुम उस चोरी को अंजाम दे सकते हो मैं नहीं दे सकता लेकिन हम दे सकते हैं मुझे ऐसी चोरी का कोई तजुर्बा नहीं तजुर्बा तो मुझे अमृतसर के भारत बैंड का वॉल्ट खोलने का भी नहीं था लेकिन तूने खोला था वह मैंने नहीं खोला था वो तो तजुर्बा तुझे उन सशस्त्र डकैतियों का भी नहीं था जिन्हें तूने मद्रास जयपुर और आगरे में अंजाम दिया था तजुर्बा मुझे अपहरण और फिरौती के उस कारनामे का भी नहीं था जिसे तूने राजनगर में अमरीकी फोस्टर का अपहरण करके अंजाम दिया था जब उतने पेचीदा और नामुमकिन कारनामों को अंजाम देने की कोई सूरत तूने निकाली थी तो इस बार भी तू कुछ कर गुजरेगा लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तरकी तुम्हारे पास पहले से है? है लेकिन उसे पालिश करने की सजाने की ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है जो तरकीब मेरे जेहन में है उसे मैं और वागले दो जने या अब मुझे मिलाकर तीन जने अंजाम नहीं दे सकते मेरी तरकीब पर अमल करने के लिए कम से कम आठ आदमियों की जरूरत है तीन हम और पांच कोई और लेकिन उन पांच बाहरी आदमियों से धोखा हो सकता है किसी एक के भी दगाबाजी पर उतर आने पर तमाम किए धरे पर पानी फिर सकता है ऐसी दगाबाजी मेरे साथ हो सकती है तेरे साथ नहीं हो सकती मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती क्योंकि आज की तारीख में क्राइम की दुनिया में तेरा नाम सबसे ऊंचा है मैंने तो अपना नाम यू ऊंचा करने की ना कभी कोशिश की थी और ना ख्वाहिश रखी थी तो समझ ले कि तेरे किए बिना ही ऐसा हो गया है तू इस बात का यश लेना चाहे या न चाहे लेकिन यह हकीकत अपनी जगह कायम है कि सारे हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड में जो दबदबा और जलाल सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के नाम का है वह इस समय किसी दूसरे के नाम का नहीं ओ किसी संदर्भ में एक और बात हमेशा के लिए गांठ बांध ले क्या जिस दुनिया में तू कदम रख चुका है उसकी लानतों से तू नहीं बच सकता कैसी दुनिया कैसी लानते अपराध की दुनिया इसमें शिरकत की लानते अब तू मलेरिया या टाइफाइड से नहीं मरने वाला एक्सीडेंट से नहीं मरने वाला बेवड़ा पीकर भी नहीं मरने वाला देख लेना जब भी मरेगा किसी मवाली के रामपुरी चाकू से पेट फड़वा कर मरेगा या किसी गैंगस्टर की गोली खाकर मरेगा विमल खामोश रहा। तुकाराम की सूरत से वह न समझ सका कि वह गंभीर था या मजाक कर रहा था अब एक बात तो तू मंत्र की तरह याद रख ले क्या जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां विमल का चेहरा फिर उदास हो गया क्या हुआ? तुकाराम से वह तब्दीली छुपी न रही कभी मैंने नीलम के साथ जो सपना देखा था विमल धीरे से बोला वो ठीक इससे उलट था तब अपराध की दुनिया से उसमें जीने मरने का रिश्ता में तोड़ने का ख्वाहिशमंद था तब मैंने नया चेहरा हासिल करके चंडीगढ़ में एक गृहस्थ बनकर कमाने वाला शरीफ और मेहनतकश इंसान बनकर नीलम के साथ बाकी जिंदगी गुजारने का सपना देखा था नीलम जिंदा रहती तो मैं जरूर ऐसा ही करता लेकिन उसका गला रुद गया फिर वही बात तुकाराम ने उसे मीठी झिड़की दी तगड़ा हो जा सरदार नया चेहरा हासिल करके विमल रुदे स्वर में बोला नई जिंदगी शुरू करने से पहले वह मुझे वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाना चाहती थी उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वैष्णो देवी की यात्रा करूं वह ख्वाहिश जाहिर करने वाली तो मर गई लेकिन उसकी खातिर जिंदगी में एक बार मैं वैष्णो देवी की यात्रा जरूर करूंगा जरूर करना कई क्षण खामोशी रही तुम क्या कह रहे थे फिर विमल ने ही चुप्पी तोड़ी मैं मुझे बता रहा था तुकार बोला कि आज की तारीख में क्राइम की दुनिया में तेरा नाम सबसे ऊंचा है सरदार जिन पांच शहरी लोगों को मैं इस काम में शरीक करना चाहता हूँ तेरे से दगाबाजी करने के ख्याल से ही उनकी मां मर जाएगी तेरा नाम वो हथौड़ा है जो मैं उन लोगों की खोपड़ी पर ताने रखना चाहता हूँ अब तू तगड़ा हो जा जैसा पिलपिलाया हुआ मैंने मुझे अभी कल्याण के उस बेवड़े के अड्डे पर देखा था वैसा ही तूने उन बाहरी आदमियों को बनकर दिखा दिया तो हो लिया काम बाहरी आदमी कौन है तुकाराम ने उसे भंडारी अकबर जयरथ रामन्ना और रुस्तम भाई के बारे में बताया यह रोस्तम भाई वो अंधेरी वाला तो नहीं जो न्यू बॉम्बे टूरिस्ट टैक्सी सर्विस चलाना है वही है मेरा उससे वास्ता पड़ चुका है अपनी बीवी के यार ज्ञान प्रकाश डोगरा तक मैं उसी के माध्यम से पहुंचा था वह तेरा बहुत खौफ खाता है मैंने उसके सामने तेरा नाम ही लिया था तो उसके छक्के छूट गए थे नाम क्यों लिया था उसे डराने के लिए सिर्फ डराने के लिए तब मुझे यह थोड़े ही मालूम था कि आज ही तू मुझे मिल भी जाएगा अगर मैं न मिलता तो भी तुम अपनी योजना पर काम करते हाँ करता तो सही लेकिन तब मुझे अपनी कामयाबी पर ही रहता तू बहुत अच्छे वक्त पर मिला सरदार अब मुझे गारंटी है कि हम जरूर कामयाब होंगे तुम्हारी योजना क्या है सुन तुकाराम धीरे-धीरे उसे बारह करोड़ रुपए की पेंटिंगों की चोरी की चोरी अपनी योजना समझाने लगा ठीक चार बजे इंस्पेक्टर चटवाल अंधेरी में रुस्तम भाई के ऑफिस में पहुंचा उस वक्त वह अपनी वर्दी के स्थान पर एक काली पतलून और चमड़े की जैकेट पहने था और उस तंभाई बोला आओ बाप तुम्हारी मर्सिडीज वापस पहुंच गई चटवाल उसके सामने बैठता हुआ बोला हाँ शुक्रिया और ड्राइवर वह भी शुक्रिया देख लो मैंने अपना वादा पूरा किया है मैं मशकूर हूं अब तुम्हारा क्या इरादा है किस बारे में उस जवाब के बारे में जो आज छह बजे तुमने एल्फ्रेड के बारे में किसी को देना है वो तो मैं तुम्हें कल ही बता चुका हूँ मेरा जवाब इनकार होगा चटवाल ने असहमति में सिर हिलाया मतलब रुस्तम भाई के नेत्र सिकुड़ गए तुम जवाब हां में दोगे तुम मराठे की आफर कबूल करोगे लेकिन तुम्हारे हाँ किए बिना मुझे कुछ नहीं पता चलने वाला का असल में क्या खिचड़ी पकने वाली है पता नहीं कुछ होने वाला भी है या नहीं पता नहीं असल में सोहल का इस सिलसिले में कोई रिश्ता है भी या नहीं लेकिन बाप जब तुम उस मराठे पर हाथ डालोगे तो मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकता मेरे पास उसके खिलाफ कुछ नहीं है लेकिन उसके पीछे लगकर तुम कोई अकेला आदमी चौबीस घंटे किसी के पीछे नहीं लगा रह सकता अकेला को तुम्हारे महकमे के लोग जो हैं महकमे में अभी मैं इस बात का कोई जिक्र नहीं करना चाहता मैंने महकमे में जिक्र किया बाद में बात कुछ ना निकली तो खाम खा मेरी जगह साई होगी लेकिन मैं रुस्तम भाई तुम्हारे हामी भरने से तुम पर कोई आंच नहीं वाली मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ बाकी चाहे मरे या जिए लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं गारंटी करता हूँ इस बात की रुस्तम भाई के चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए देखो जब तक तुम हामी नहीं भरोगे वह मराठा तुम्हें कुछ नहीं बताएगा तुम कहते हो यह आठ लोगों की शिरकत का काम है तुम हाँ करोगे तभी तो वह तुम्हें अपनी योजना के बारे में बताएगा उसमें तुम्हारे रोल के बारे में बताएगा और बाकी लोगों के बारे में बताएगा तभी तो तुम्हें मालूम होगा कि उनमें सोहल है या नहीं कोई पक्की जानकारी हाथ आएगी तभी तो मैं कोई कदम उठाऊंगा लेकिन अब लेकिन वेकिन छोड़ो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो यह तो रुस्त भाई बड़बड़ाया तुमने मेरी सांप छछुंदर जैसी हालत कर दी गलत तुम्हारी पांचों उंगलियां घी में हैं और हो सकता है वह बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला सिर कढाई में हो मतलब अभी उस मराठे की योजना में शरीक होने पर तुम्हारा हिस्सा पिचहत्तर लाख का है हो सकता है यही हिस्सा तीन करोड़ का बन जाए तीन करोड़ का सोचो रुस्तम भाई सोचो कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि तुम मैं कुछ नहीं कहना चाहता मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हवा का रुख पहचानो और वो रास्ता अख्तियार करो जिसमें तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा हो बाकी सब चाहे जाए भाड़ में रुस्तम भाई ने खामोशी से अपने होठोन पर जुबान फेरी मोटा माल यू ही हासिल नहीं जाता रुस्तम भाई उसके लिए जोखम भी उठाना पड़ता है जोखम मैं उठाऊं? और कौन उठाएगा मैं तो जा नहीं सकता तुम्हारी जगह एल्फ्रेड के बार में तुम मेरे पीछे आओगे जरूर आऊंगा एक बार उस मराठे की सूरत तो मैं जरूर देखना चाहूंगा जिसे तुम नहीं पहचानते उसे शायद मैं पहचानता हूँ रुस्तम भाई कुछ क्षण खामोश रहा और फिर एक गहरी सांस लेता बोला ठीक है देता हूं मैं उखल सर। आस्टरिस्क, आस्टरिस्क, आस्टरिस्क। रात के 11 बजे तुकाराम के चैम्बूर वाले मकान में उसके अलावा जो सात आदमी मौजूद थे वे थे विमल वागले भंडारी रुस्तम भाई अकबर जयरत और रमन्ना विमल उस वक्त अपने हिप्पी परिधान में था उस परिधान ने उसकी हमेशा रक्षा की थी इसलिए अब भी उसने उसी पर भरोसा किया था उसने अपनी आँखों में अपने नीले कांटेक्ट लेंस लगा लिए थे और ऊपर से नाक पर प्लेन शीशों वाला तार के फ्रेम वाला चश्मा टिका लिया था मुंबई में वापस दाखिला उसके लिए कोई जहमत या खतरे की बात साबित नहीं हुई थी मुंबई में दाखिले के रास्ते पर पुलिस की जो थोड़ी बहुत चौकसी अब भी थी वह मुंबई से बाहर जाने वालों के लिए थी न कि भीतर आने वालों के लिए उस वक्त उसने अपना पाइप सुलगा लिया हुआ था और वह बड़ी तल्लीनता से उसके कश लगा रहा था रुस्तम भाई मंत्र मुग्धसा उसे देख रहा था कभी जब वह ज्ञान प्रकाश डोगरा का पता हासिल करने की कोशिश में उसके पास अंधेरी आया था तो वह सिख नौजवान के वेश में था उसका मौजूदा हिप्पी बहुरूप उस सिख नौजवान से कतई नहीं मिलता था सिवाय एक बात के उससे आंख मिलाने की ताब रुस्तम भाई पहले भी नहीं ला सका था और तब भी न ला सका उसकी आंखें ही थी जो उसे विश्वास दिला रही थी कि वह वही आदमी था जो कभी अकेला उसके दर्जन भर हिमायतियों की मौजूदगी में उस पर चढ़ दौड़ा था उन, उन आँखों में वही हिंसक भाव उसे तब भी दिखाई दे रहा था जो पुकार पुकार कर कह रहा था कि वह आदमी अकेला सारी दुनिया तबाह कर डालने की कुवत रखता था बाकी लोगों पर भी विमल की वहां मौजूदगी का प्रत्याशित प्रभाव पड़ा था अकबर तो उसे बड़े श्रद्धा भाव से देख रहा था और इस ख्याल से ही थर्राया जा रहा था कि वह सात राज्यों में घोषित इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के रूबरू था नायब के आठ साल के लड़के को अकबर जयरथ और रामन्ना उठा लाए थे और वह उस वक्त भंडारी के बांद्रा वाले फ्लैट में मंजुला के हवाले था लड़का वीडियो का बेहद शौकीन था और उसकी माँ से ही उसे कहलवा दिया गया था कि वह एक हफ्ते के लिए अपनी एक आंटी के पास जी भरकर वीडियो फिल्में देखने जा रहा था लड़का खुशी खुशी उनके साथ हो लिया था मंजुला को समझा दिया गया था कि अगर लड़का कोई समस्या खड़ी करने की कोशिश करे तो वह उसे दूध में घोल एक नींद की गोली दे दे वैसी एक गोली लड़के को कम से कम दस घंटे तक बेहोशी जैसी नींद के हवाले कर सकती थी लेमिंगटन रोड पर रुस्तम भाई को इंस्पेक्टर चटवाल मंडराता दिखाई दिया था लेकिन रुस्तम भाई को यह नहीं मालूम था कि चटवाल वहां चैम्बूर तक भी उसके पीछे आया था या नहीं वैसे सोहल की वहां मौजूदगी की वजह से वह वहां, वहां किसी भी क्षण पुलिस का छापा पड़ने की भी उम्मीद कर रहा था चटवाल पुलिस की फौज लेकर वहां पहुंच सकता था और सोहल को गिरफ्तार करके उसके सिर पर लगे इनाम की रकम बटोर सकता था तुकाराम सबका सबसे परिचय करवा चुका था अब मैं तुकाराम बोला तफसील से आपको सारी योजना सुनाता हूं सब लोग गौर से सुने किसी को कोई शंका हो तो निःसंकोच बताएं ताकि उसका तुरंत समाधान किया जा सके योजना को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए किसी के पास कोई अतिरिक्त राय हो तो वह उसे भी निहसंकोच बताएं। बताए ठीक सपने सहमति में सिर हिलाया हमारा निशाना फोर्ट एरिया में स्थित आलमगीर आर्ट गैलरी है जिसमें फ्रांसीसी और भारत सरकार में कल्चरल एक्सचेंज के अंतर्गत विश्वविख्यात चित्रकार पिकासो और छागाल की 24 दुर्लभ कलाकृतियों की प्रदर्शनी अगले बुधवार से लगने वाली है विश्व भर के कला पार्कियों ने उन 24 पेंटिंगों की कीमत 12 करोड़ रुपए आकी है हमने आलमगीर आर्ट गैलरी से वे पेंटिंगें चोरी करनी है वे पेंटिंग हम खुद बेच सके तो हमें बारह करोड़ रूपए हासिल हो सकते हैं। लेकिन यह काम हम खुद नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका ग्राहक अमेरिका में है और उन पेंटिंगों का भारत से अमेरिका स्मगल करके ले जाना हमारे बस का काम नहीं लेकिन यही काम किसी और के बस का हो सकता है बीच में एक मीडियम पैदा हो जाने की वजह से हमें उनकी आधी कीमत यानी कि की छह करोड़ रुपए हासिल होंगे वह मीडियम मुंबई में ही है भंडारी ने पूछा हाँ वो पेंटिंग भारत से बाहर कैसे ले जाएगा वैसे ही जैसे स्मगलिंग का माल लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाते हैं मतलब आज की दुनिया में कलाकृतियों की चोरी एक विश्वव्यापी व्यापार बन चुका है जिसमें हर साल कम से कम तीन अरब डॉलर की राशि इधर से उधर होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक द्रव्यों के अवैध धंधे के बाद दूसरा स्थान इसी व्यापार का बनता है जिसकी वजह से जानकार पुलिस वालों का कहना है कि कलाकृतियों की चोरी और अवैध मादक द्रव्यों के विश्वव्यापी व्यापार में जरूर कोई सीधा संबंध है हमारे मीडियम का इस धंधे में कोई तगड़ा कांटेक्ट होगा जो कि हमारा नहीं है बहरहाल पेंटिंग हवाले करते ही हमें उससे छह करोड़ रुपए हासिल हो जाएंगे उसके बाद वह उन्हें भारत से बाहर ले जा पाता है या नहीं यह हमारी सिरदर्दी नहीं होगी तुम्हें कैसे मालूम है कि कलापार्कियों ने उनकी कीमत 12 करोड़ रुपए आकी है सिर्फ इसलिए क्योंकि मीडियम ऐसा कहता है संसार की जितनी टॉप कलाकृतियां हैं, उनके संबंध में यूरोप के कई संग्रहालय एक बुलेटिन प्रकाशित करते हैं उस बुलेटिन में चित्र का आकार प्रकार उसके बनाने में प्रयुक्त रंग या अन्य किन्ही तकनीकी विशेषताओं का संपूर्ण सचित्र वर्णन होता है उसी बुलेटिन में यह भी दर्ज होता है कि कौन सी कलाकृति के कितने दाम लग सकते हैं वह बुलेटिन मैंने देखा था उसके मुताबिक हमारा निशाना जो कलाकृतियां हैं उनकी कीमत 12 करोड़ रुपए बनती थी ओ भंडारी एक क्षण फिटका और फिर बोला कीमत की अदायगी के मामले में कोई धोखा तो नहीं होगा उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी पूरी सावधानी बरती जाएगी कि धोखा न हो वह एक अमेरिकी नागरिक है और मुंबई में अकेला है मैंने इस बात की पूरी जांच पड़ताल कर ली है वह अकेला आदमी हम आठ जनों को धोखा दे सके ऐसी मुझे उम्मीद नहीं आगे रुस्तम भाई तनिक उतावले स्वर में बोला पेंटिंग बहुत कीमती है और भारत सरकार पर उनकी हिफाजत और उनकी फ्रांस सरकार को सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी आयद होती है इसलिए आलमगीर आर्ट गैलरी में सुरक्षा के कुछ ऐसे विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं जो कि साधारणतया आर्ट गैलरियों में नहीं होते जयंत भंडारी तुकाराम ने भंडारी की तरफ संकेत किया वहां का सिक्योरिटी ऑफिसर है बकौल इसके वहां ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि वहां उन पेंटिंगों को दीवार से उतारने की कोशिश तो दरकिनार उन्हें छूने भर से ही आर्ट गैलरी की सारी इमारत में अलाम बेल बजने लगेंगी अलार्म बेल का ऐसा इंतजाम शाम को आर्ट गैलरी बंद हो जाने के बाद और सुबह दोबारा खुलने से पहले उस हाल के प्रवेश द्वार और खिड़कियों के साथ होगा जिसमें कि वे पेंटिंग लगाई जाएंगी यानी कि रात के वक्त भीतर कदम रखना तो दूर कोई उन पेंटिंगों वाले हाल के प्रवेश द्वार या किसी खिड़की को छुएगा भी तो खतरे की घंटियां बजने लगेंगी और आनंद फानंद गार्डो द्वारा आर्ट गैलरी की सारी इमारत घेर ली जाएगी गार्ड कहाँ होते हैं रुस्तम भाई ने पूछा इमारत के भीतर या बाहर बाहर तुकाराम बोला आर्ट गैलरी के बंद होने का टाइम शाम पांच बजे का है छह बजे तक वहाँ के तमाम खिड़कियाँ दरवाजे मजबूती से बंद हो जाते हैं और उन पर ताले पड़ जाते हैं इमारत के अहाते में सामने के बड़े फाटक के पहलू में एक मंजिला इमारत और है जो सिक्योरिटी ऑफिस कहलाती है उसमें कोई दर्जन भर गार्ड सारी रात मौजूद होते हैं, जो कि पूरी तरह चौकने रहते हैं और जो गाहेब गाहे इमारत की परिक्रमा भी करते रहते हैं क्यों भंडारी भंडारी ने सहमति में सिर हिलाया इतने इंतजाम के बावजूद रुस्तम भाई अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला हम वहां से पेंटिंग चुरा सकते हैं हाँ तुकाराम बोला विश्वास नहीं होता हो जाएगा सारी दास्तान सुन चुकोगे तो हो जाएगा मैं सुन रहा हूँ इमारत की खतरे की घंटियां और उसके मजबूत ताले हमारे लिए कोई समस्या नहीं बनने वाले क्योंकि ताले हमें खोलने नहीं पड़ेंगे और घंटियां चुप कराई जा सकती है ताले खोले बिना क्या हम जादू के जोर से भीतर घुस जाएंगे नहीं जादू के जोर से नहीं बल्कि यत्न से तरकीब से कौन सी तरकीब से सुनते रहो बार बार बीच में मत्तों को बेहतर उन पेंटिंगों की खातिर इमारत की दूसरी मंजिल के एक हाल को विशेष रूप से सजाया जा रहा है उस हाल के फर्श पर पीवीसी की साउंड प्रूफ टाइले बिछाई जा रही है दीवारों पर शानदार वाल पेपर लगवाया जा रहा है और छत को खूबसूरत फाल सीलिंग से सजाया जा रहा है वहाँ फाल सीलिंग फिक्स करने का काम नायक एंड कंपनी नाम की जिस फर्म को मिला है वह हमारी मुट्ठी में है कैसे अकबर जरा बताना कैसे अकबर ने नायक के छोकरे के अपहरण की दास्तान कह सुनाई जयरथ फाल सीलिंग बनाना जानता है बहुत बढ़िया कारीगर है वह इस काम का अकबर और रामन्ना काम नहीं जानते लेकिन जयरथ के निर्देशों का पालन ये बाखूबी कर सकते हैं नायक एंड कंपनी के मालिक से आर्ट गैलरी को यह चिट्ठी लिखवाई भी जा चुकी है कि जो तीन कारीगर फाल्स सीलिंग का काम करने आएंगे उनके नाम अकबर जयरथ और रामन्ना है कल इनके पास बनकर नायक एंड कंपनी में आ जाएंगे जो कि फाल्स सीलिंग लगाने के साजो सामान के साथ नायक इन्हें दे देगा शनिवार और रविवार आर्ट गैलरी बंद रहती है लेकिन इनको मिले पासों की वजह से वे दो दिन भी ये लोग काम कर सकेंगे इनका छुट्टी वाले दिनों में काम करना आर्ट गैलरी वालों के भी हित में है क्योंकि वे चाहते हैं कि सोमवार शाम तक उस हाल की रेनोवेशन का हर काम हर हाल में मुकम्मल हो जाए ताकि मंगलवार को वहां पेंटिंग काम दी जाए और उनका संपर्क अलार्म के सर्किट से जोड़ दिया जाए बुधवार सुबह खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने उन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का उद्घाटन करना है तुकाराम एक क्षण ठिठका और फिर बोला अब सुनिए होना क्या है होना यह है कि शुक्र से लेकर सोमवार तक के चार दिनों में हर रोज अकबर जयरथ और रामन्ना कुछ अतिरिक्त सामान अपने साथ लेकर जाएंगे जिसे वह थोड़ी थोड़ी करके बनती जा रही फाल सीलिंग में छुपाते जाएंगे सामान क्या होगा रुस्तम भाई बोला सामान होगा पेट्रोल का एक कनस्तर आग बुझाने वालों द्वारा पहनी जाने वाली तीन जोड़ी वर्दिया आग पर पानी छिड़कने के काम आने वाला कैनवस का खूब खुले व्यास वाला लंबा पाइप जो कि पानी से खाली हो जाने की सूरत में लपेटकर इकट्ठा किया जा सकता है और तीन लोहे के टोप जो आग बुझाने वाले पहनते हैं एंट्री के वक्त इस सामान की चेकिंग नहीं होगी फाल सीलिंग की टाइलें, एंगल वगैरह ये लोग एक ही बार वहां ले जाने की जगह तीन चार फेरों में लेकर जाएंगे उसी सामान में छुपकर पेट्रोल का कनस्तर और अग्निशमन वाला सामान भी भीतर चला जाएगा फिर भी चेकिंग हो सकती है और वह सामान किसी की निगाह में आ सकता है इसका इंतजाम भंडारी को करना होगा कि वह सामान किसी की निगाह में न आए आखिर यह वहां का सिक्योरिटी ऑफिसर है भंडारी ने सहमति में सिर हिलाया भंडारी ही इस बात का इंतजाम करेगा कि जब दीवारों से पेंटिंग उतारने का उपक्रम किया जाए तो अलार्म बेल न बजे वो कैसे होगा हाल के प्रवेश द्वार तक भंडारी बोला खिड़कियों तक और पेंटिंगों तक तारे एक ही सर्कट से पहुंचती है मैं उस सर्कट पर एक टाइम क्लॉक लगा दूंगा जिसकी वजह से किसी पूर्व निर्धारित समय पर वह पूर्व निर्धारित समय तुकाराम बोला सात बजे का है अलार्म का सर्कट कट जाएगा और एक पूर्व निर्धारित समय पर ही वह दूसरा समय आठ बजे का है अपने आप चालू हो जाएगा मैं वहां का सिक्योरिटी ऑफिसर हूं। आठ बजे के बाद वहां जो हंगामा बरपेगा उसकी वजह से मेरी वहां मौजूदगी लाजमी होगी तब कोई मुनासिब मौका हाथ आते ही मैं सर्कट में से टाइम क्लॉक निकाल दूंगा अब होगा यह तुकाराम आगे बढ़ा कि सोमवार शाम तक हाल का फर्श और दीवारें तो तैयार हो जाएंगी लेकिन फॉल सीलिंग तैयार नहीं होगी फाल सीलिंग का काम जानबूझकर इस रफ्तार से किया जाएगा कि वह सोमवार को खत्म न हो पाए और काम इतना बाकी रहे कि मंगलवार सारा दिन करना पड़े नतीजा यह होगा कि मंगलवार जब दीवारों पर पेंटिंगें टांगी जा रही होंगी और उनका संबंध अलम की तारों से जोड़ा जा रहा होगा अकबर जयरथ और रामन्ना तब भी वहीं होंगे और फॉल सीलिंग का काम कर रहे होंगे शाम को जब पेंटिंगें टांगी जा चुकी होगी तब भी फाल सीलिंग का कुछ काम बाकी होगा और सिक्योरिटी ऑफिसर भंडारी खुद वहां पहुँच कर जल्दी करो जल्दी करो की दुहाई मचा रहा होगा काम के दौरान हाल के दरवाजे पर सिर्फ एक गार्ड बैठा होता है जिसे भंडारी किसी काम के बहाने थोड़ी देर के लिए कहीं भेज देगा जब वह गार्ड लौटकर आएगा तो वह हाल को सुनसान पाएगा भंडारी उसे बताएगा कि अकबर वगैरह अपना काम करके जा चुके थे इसलिए वह हाल को ताला लगा दे हकीकतन अकबर वगैरह उस वक्त फाल सीलिंग के भीतर उस भाग में छुपे होंगे जो खास तौर से इतना मजबूत बनाया गया होगा कि वह तीन आदमियों का और वहां चोरी से लाए दूसरे सामान का बोझ संभाल सके हाल को ताला लग जाएगा और एक घंटे बाद सारी इमारत को भी ताले लग जाएंगे फिर और एक घंटे बाद यानी कि सात बजे अकबर जयरत और रामन्ना अपने चोरी से वहां तक पहुंचाए गए तामझाम के साथ फाल सीलिंग से बाहर निकल आएंगे तब तक भंडारी की लगाई टाइम क्लॉक की वजह से खतरे की घंटियों का सरकट कट चुका होगा ये तीनों आनंद फानन पेंटिंग्स को उनके फ्रेमों से अलग कर देंगे क्यों? क्योंकि फ्रेम की वजह से पेंटिंग का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और उसे छुपाया नहीं जा सकता पेंटिंग कैनवस पर बनी होती है फ्रेम से पेंटिंग अलग हो जाए तो उसे रोल करके गोल लपेटा जा सकता है कीमत पेंटिंग की है न कि उसके फ्रेम की ओ पेंटिंग्स जब फ्रेमों से अलग हो जाएंगी तो उन्हें ग्लास पेपर में लपेटकर रोल कर लिया जाएगा ग्लास पेपर क्या चीज हुई यह एक खास तरह का पेपर होता है जो दुर्लभ कलाकृतियों में धूल मिट्टी और तीखी रोशनी से महफूज रखने के काम आता है हमारे अमरीकी खरीदार की यह खास हिदायत है कि वे पेंटिंग उसे ग्लासिन पेपर में लपेटकर सौंपी जाएं। वह केमिकली ट्रीटेड पेपर वही हमें मुहैया कराएगा फिर रोल की हुई वे पेंटिंग्स कैनवस के लंबे पाइप में भर दी जाएंगी और उसके दहाने पर मेटल की बनी वो नलकी लगा दी जाएगी जो आप लोगों ने फायर ब्रिगेड के पाइपों के दहाने पर लगी अक्सर देखी होगी अब भीतर से पेंटिंग से भरा वह पाइप देखने में फायर ब्रिगेड वालों के पानी के पाइप जैसा ही लगेगा फिर ये लोग फायर ब्रिगेड वालों की वर्दियाँ और लोहे की टोप तो पहन लेंगे ये बाहर कैसे निकलेंगे? हाल के दरवाजे को तो बाहर से ताला लगा होगा ताला रामन्ना खोलेगा कैसे दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान है जो कि फाल सीलिंग बन जाने के बाद हाल वाली तरफ से फाल सीलिंग के भीतर हो जाएगा वह रोशनदान मूल रूप से एयर कंडीशनिंग के डक्ट के लिए था लेकिन वहां एयर कंडीशनिंग न होने की वजह से वह इस्तेमाल नहीं होता रोशनदान इतना छोटा है कि सिक्योरिटी के नुकता से कभी किसी की उसकी ओर तवज्जो नहीं गई आम आदमी उस रोशनदान से नहीं गुजर सकता लेकिन अपना यह ठिंगू गुजर सकता है यह फाल सीलिंग में दाखिल होगा उस रोशनदान से बाहर निकलेगा और हाल से बाहर गलियारे में छलांग लगा देगा फिर हाल का ताला वह उस डुप्लीकेट चाबी से खोलेगा जो हमें भंडारी से हासिल होगी फायर ब्रिगेड की वर्दियों का क्या इस्तेमाल है वही तो इन तीनों को इमारत से बाहर निकालेंगी कैसे यहाँ पेट्रोल के उस कनस्तर का रोल आता है जो ये अपने साथ लाए होंगे ये लोग आठ बजने का इंतज़ार करेंगे और फिर पेट्रोल की सहायता से वहां कहीं आग लगा देंगे और खुद कहीं छुप जाएंगे उनके हाल के दरवाजे को छू लेने भर से अलार्म बैल बजने लगेंगी जिनकी वजह से बाहर मौजूद गार्डों की तवज्जो आग की तरफ जाएगी समझा यही जाएगा कि आग की वजह से ही किसी तरह से अलार्म बज उठे थे फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया जाएगा आग बुझाने के लिए दर्जनों फायर ब्रिगेड वाले जब इमारत में दाखिल होंगे तो उन्हीं में अपना पेंटिंगो वाला पाइप थामे हमारे अकबर जयरत और रामन्ना मिल जाएंगे वहां मची आपाधापी में पाइप संभाले जब ये इमारत के मुख्य द्वार से बाहर निकलेंगे तो यही समझा जाएगा कि फायर ब्रिगेड वाले अपनी ड्यूटी भुगता रहे थे रुस्तम भाई यह वो स्टेज है जहाँ तुम्हारा सहयोग काम आता है कैसे रुस्तम भाई तनिक हड़बड़ाकर बोला हकीकतन इतनी देर से वह यही सोच रहा था कि आखिर उस चोरी की तस्वीर में वह कहाँ फिट होता था मैं? तुम्हारे पास कारों की फ्लीट है जिनके रखरखाव के लिए गैरेज भी तुम्हारा अपना है तुम्हें बुधवार से पहले फायर ब्रिगेड के इंजन जैसी एक गाड़ी तैयार करनी होगी फायर ब्रिगेड के इंजन जैसी गाड़ी रुस्तम भाई हड़बड़ाया हाँ हा, वो चकनुमा गाड़ी जो सिर्फ पानी ढोती है ऐसी गाड़ी तैयार कर लेना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा तुमने ट्रक के पृष्ठ भाग में सिर्फ एक पानी की टंकी फिट करनी होगी उसके साथ कैनवस का पानी का लंबा हौस जोड़ना होगा ट्रक को लाल रंग कर उस पर मुंबई फायर सर्विस लिखवाना होगा और ड्राइविंग केबिन के बाहर एक घंटा टांगना होगा ऐसी गाड़ी तैयार करा लेना कोई मुश्किल काम नहीं लेकिन मैं उसे छुपाऊंगा कहाँ? कोई देखेगा तो हैरान नहीं होगा कि मेरे गैरेज में फायर ब्रिगेड क्या कर रहा था यह तुम सोचो कि तुम गाड़ी कैसे छुपाओगे क्योंकि तुम्हारे हिस्से का काम यही है और इसी ने तुम्हें 75 लाख रुपए का हकदार बनाना है यह तो लोचे वाला काम है चोरी के बाद देर सवेर जाहिर तो होगा ही कि चोरी कैसे मुमकिन हुई थी और चोर कैसे घटनास्थल से भागे थे जनाब मेरे गैरेज में खड़ा फायर ब्रिगेड का वह नकली इंजन किसी को बाद में भी याद आ गया तो मेरी ऐसी तैसी फिर जाएगी अगर मैं गिरफ्तार होकर जेल में पहुंच गया तो पिछहत्तर लाख रुपया मेरे किस काम आएगा तुम गाड़ी को छुपाकर रखने की कोई तरकीब सोचो उसके बिना काम नहीं चलने वाला उस गाड़ी का मेरी योजना में बड़ा अहम रोल है अकबर वगैरह का इमारत से निकलते ही घटनास्थल से कूच कर जाना निहायत जरूरी है इस काम को वह गाड़ी ही मुमकिन बना सकती है यह न भूलो कि फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस भी आती है फायर ब्रिगेड की वर्दी पहने हाथ में पानी का लंबा हौस संभाले ये लोग वहां से पैदल या किसी और गाड़ी में सवार होकर कूच करते दिखाई दिए तो वही उनकी पोल खुल जाएगी और सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा यह मुझे फंसाने वाला काम है रुस्तम भाई बोला क्यों विमल पहली बार बोला क्योंकि गाड़ी गैरेज में देखी जा सकती है रुस्तम भाई हड़बड़ाए स्वर में बोला कौन देखेगा गैरेज के वर्कर मिस्त्री उनके हेल्पर वगैरा सबकी छुट्टी कर दो क्या मैंने कहा सबकी छुट्टी कर दो अगले बुधवार तक के लिए गैरेज बंद कर दो इतना तो कर सकते हो हाँ उसके लिए तो मैं कोई भी बहाना बना दूंगा लेकिन फिर काम काम कौन करेगा ट्रक को फायर ब्रिगेड के इंजन की शक्ल कौन देगा मैं दूंगा तुम दोगे हाँ तुम मेरी लाइफ स्टोरी से वाकिफ नहीं होते तो तुम्हें मालूम होता कि मैं जयपुर में मोटर मकैनिक वर्कशॉप ही चलाता था और तुकाराम बोला राजनगर में अपने जोड़ीदार जगमोहन के साथ भी तू उसके ऐसे ही धंधे में शरीक था दुरुस्त इंजन बन जाएगा रुस्तम भाई। तुम उसकी फिक्र न करो तुम सिर्फ इस बात की फिक्र करो कि किसी की उस पर निगाह न पड़े बुधवार रात को जब वह तुम्हारे गैरेज से निकाला जाए तो भी चुपचाप निकाला जाए एक बार उसके सड़क पर आ जाने के बाद फिर कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वह मुंबई फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों जैसी एक गाड़ी होगी ओके रुस्तम भाई ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिला दिया गुड तुकाराम की योजना की बाबत कोई साहब किसी तरह की कोई शंका प्रकट करना चाहते हो कोई साहब कुछ कहना चाहते हो सबने इनकार में सिर हिलाया तो मैं कुछ कहना चाहता हूं सब विमल की तरफ देखने लगे क्या तुकाराम बोला यह आग वाली बात खतरनाक है कई लिहाज से खतरनाक है क्यों क्यों खतरनाक है क्योंकि एक तो पेट्रोल की आग तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा भड़क सकती है और दूसरे फायर ब्रिगेड के घटनास्थल पर पहुंचने में देर हो सकती है हो सकता है फायर ब्रिगेड और पुलिस के पहुंचने से पहले सिक्योरिटी गार्ड इमारत के दरवाजे न खोले तब इन बातों का सामूहिक नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है ये तीनों आदमी उसने अकबर जयरत और रामन्ना की तरफ संकेत किया इमारत के भीतर ही दम घुटकर मर सकते हैं ये ठीक कह रहे हैं अकबर फौरन आशंकित स्वर में बोला ऐसा न भी हो विमल आगे बढ़ा तो इमारत से बाहर निकलते वक्त ये पहचाने जा सकते हैं कोई फायर ब्रिगेड वाला इनमें से किसी की या तीनों की सूरतें देखकर कह सकता है कि ये तो उसके फायर स्टेशन से उसके साथ आए आदमी नहीं सिर्फ टोप तो पहन लेने से सूरत नहीं छुप जाती सही बात है जयरत बेहद प्रभावित स्वर में बोला लेकिन इसका हल क्या है तुकाराम बोला इसका हल यह है कि आग लगाने का ख्याल छोड़ दिया जाए आग लगाने के लिए पेट्रोल का कनस्तर भीतर ले जाने की जगह ढेर सारे धुएं के बम भीतर पहुंचाए जाए और वे सिर्फ दूसरी मंजिल के हाल में ही नहीं आर्ट गैलरी के मेन गेट से लेकर दूसरी मंजिल के हाल तक के सारे रास्ते में फैलाए जाएं। उन बमों के फूटने पर वहां इतना धुआं होगा कि हाथ हाथ सुझाई नहीं देगा लेकिन वो धुआं दमघोटू भी तो होगा जरूर होगा उससे रक्षा के लिए गैस मास्क इस्तेमाल करने होंगे उस किस्म के गैस मास्क जो सारे मुंह को ढक लेते हैं और जिनके साथ ऑक्सीजन गैस के एक सिलेंडर का कनेक्शन होता है जो कि गैस मास्क इस्तेमाल करने वाले को पीठ पर लादना पड़ता है उन गैस मास्कों की वजह से इन तीनों के चेहरे मुकम्मल तौर पर छुप जाएंगे और इनके पहचान लिए जाने का खतरा सिफर हो जाएगा बरोबर बोला बाप अकबर खुश हो गया एन फिट जयरत बोला तुकाराम ने यू प्रशंसात्मक भाव से विमल की तरफ देखा जैसे औलाद की किसी बड़ाई से उसका बाप गौरवान्वित हुआ हो आप लोग देख लीजिएगा विमल बोला धुएं के उन मोह के उत्पाद की वजह से फायर ब्रिगेड वाले भी धुने के साधन की तलाश में गैस मास्क पहनकर ही इमारत में दाखिल होंगे तब उनमें और हमारे आदमियों में फर्क करना भेड़ों में भेड़ पहचानने जैसा काम होगा उसके बाद विमल यू सबकी निगाहों का केंद्र बन गया जैसे वह कोई स्पेशलिस्ट था जो हर किसी की समस्या का समाधान करने वहां आया था मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भंडारी सकुचाता हुआ बोला क्या विमल बोला इस चोरी के बाद जाहिर है कि बहुत ऊंचे स्तर पर इसकी तफ्तीश होगी तब क्या चोरी में मेरे रोल की बात खुल सकती है कैसे खुल सकती है तुम्हारे प्रमुख काम तो दो ही हैं। एक तुमने अलार्म सर्किट में टाइम क्लॉक लगानी है और दूसरे हाल के दरवाजे के बाहर लगे ताले की डुप्लीकेट चाबी मुहैया करानी है टाइम क्लॉक तो तुम तफ्तीश शुरू होने से बहुत पहले अलार्म सर्किट में से निकाल चुके होगे। ऊपर से घंटी तो बजेगी आठ बजे के बाद स्मोक बम चलने के साथ घंटी भी बजेगी तब कोई भला घंटी के रोल पर कैसे शक करेगा तब यही समझा जाएगा कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से पेंटिंग्स उतारी जाते समय घंटी नहीं बजी थी और वह खराबी अपने आप ही ठीक हो गई थी दूसरे घंटी बजने और गार्डो और फायर ब्रिगेड वालों के वहां पहुंचने के बीच में अगर बहुत ज्यादा वक्फा हुआ तो यह भी कहा जा सकता है कि पेंटिंग फ्रेमों से घंटी बजते-बजते में उतारी गई थी बाकी रही चाबी की बात उस बारे में बाद में अव्वल तो यही कहना मुहाल होगा कि ताला डुप्लीकेट चाबी से खोला गया था आखिर कैसा भी ताला चुटकियों में खोल लेने में बहुत लोग सिद्धहस्त होते हैं हम में से चाहे ऐसा कोई नहीं लेकिन फिर भी ऐसा सोचा जा सकता है कि ताला किसी ने अपने हाथ की सफाई से खोला था डुप्लीकेट चाबी वाली बात सोची भी जाएगी तो वह सिर्फ तुम्हारी तरफ इशारा नहीं हो सकता आखिर वहां दर्जनों और सिक्योरिटी गार्ड भी तो होते हैं भंडारी ने सहमति में सिर हिलाया चाबियां वैसे रहनी कहाँ हैं सिक्योरिटी ऑफिस वाली इमारत में एक शीशे की अलमारी में जिस तक कि किसी भी गार्ड की पहुंच हो सकती है हाँ तो फिर तुम्हारे लिए चिंता की क्या बात है भंडारी खामोश रहा मैं एक बात पूछना चाहता हूं रुस्तम भाई बोला पूछो तुकाराम बोला पेंटिंगों के प्रदर्शन के लिए लगा दिए जाने के बाद चोरी किया जाना क्यों जरूरी है क्या वे वहां से नहीं चुराई जा सकती जहां की वे इस वक्त मौजूद हैं? मुस्कराया। उसने भंडारी की तरफ देखा पेंटिंग भंडारी बोला इस वक्त फ्रांस में है ओ। रुस्तम भाई के मुंह से निकला मंगलवार सुबह से पहले उनका पदार्पण भारत में नहीं होने वाला मंगलवार सुबह आठ बजे फ्रांसीसी सरकार का एक स्पेशल प्लेन उन पेंटिंगों के साथ मुंबई के हवाई अड्डे पर उतरेगा और वहां से बड़े तगड़े सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ वे पेंटिंगें आलमगीर आर्ट गैलरी के दूसरी मंजिल के तब तक सच संर चुके हाल में टांगने के लिए पहुंचाई जाएंगी रुस्तम भाई खामोश रहा अब हमें विमल बोला उस सामान की लिस्ट बना लेनी चाहिए जो कि हमें अपने मौजूदा अभियान में दरकार होगा ताकि एन मौके पर कोई चीज छूट न जाए तुकार बोला वागले मैं बोलता हूँ तू नोट कर वागले ने एक कागज और बाल पायट पैन संभाल लिया एक फायर ब्रिगेड के इंजन जैसी गाड़ी बोला टाइम्स कोई दो दर्जन धुए के बम बम बियर के डिब्बे के स्टाइल से खुलने वाले होंगे बस कुंडी खींची और खुल गए। हाल के दरवाजे के ताले की एक डुप्लीकेट चाबी ग्लास पेपर एक कैनवस का कम से कम चार इंच व्यास का पानी का खूब लंबा पाइप एक अदद उसके मुंह पर फिट हो सकने वाली मेटल की नोजल तीन गैस मास्क आग बुझाने वालों द्वारा पहनी जाने वाली पांच जोड़ी वर्दिया पांच जोड़ी रुस्तम भाई बोला तीन जोड़ी अकबर जयरथ और रामन्ना के लिए और दो जोड़ी रुस्तम भाई और वागले के लिए जो फायर ब्रिगेड का नकली इंजन लेकर घटना स्थल पर पहुंचेंगे और जिस पर सवार होकर अकबर जयरथ और रामन्ना वहां से भागेंगे उस नकली इंजन से जल्द से जल्द किनारा कर लेने में ही क्योंकि हमारी भलाई है इसलिए इंजन आजाद मैदान में छोड़ दिया जाएगा वहां दो गाड़ियों में मैं और सोहल मौजूद होंगे सोहल वाली गाड़ी में तुम सब लोग सवार हो जाओगे और अपने गैस मास्क और वर्दियां पीछे नकली इंजन में छोड़ दोगे ग्लास एंड पेपर में लिपटी पेंटिंग कैनवस के पाइप से निकालकर मेरी कार में लाद दी जाएंगी और सोहल मेरे साथ सवार हो जाएगा हमारा अमरीकी खरीदार मुझे तुलसी पाइप रोड पर दादर स्टेशन के पास मिलने वाला है वहां हम उसे उसका माल सौंपेंगे और अपना माल छह करोड़ रुपया उससे हासिल कर लेंगे अपना माल वह परखना नहीं चाहेगा जरूर परखना चाहेगा वैसे ही जैसे हम अपना माल परखना चाहेंगे जो गाड़ी मेरे अधिकार में होगी वह एक बंद मेटाडोर वैन होगी उसमें यह सुविधा होगी कि वह अपनी पेंटिंग परख ले और हम अपने नोट परख ले वह पेंटिंग जबरन छीनने की कोशिश कर सकता है नहीं कर सकता वह वहां अकेला आएगा अगर वह अकेला नहीं होगा तो हम उसके करीब भी नहीं फटकेंगे और फिर यह मत भूलो कि पेंटिंगों के लिए मरा वो जा रहा है आखिर उसने भी तो उनकी वजह से छह करोड़ रुपया कमाना है यानी कि धोखे की कोई संभावना नहीं नहीं होगी तो हम सावधान रहेंगे अगर उसका मिशन पहले से ही फोकट में पेंटिंग झमटने का हुआ तो तो उसका मिशन कामयाब नहीं होने दिया जाएगा वह तो हुआ लेकिन जब ग्राहक न रहा तो पेंटिंगों का हम। तुकाराम पकाया प्रत्यक्षता ऐसी कोई संभावना उसके जेहन में नहीं आई थी यह बात तो रुस्तम भाई ठीक कह रहा है भंडारी भी चिंतित भाव से बोला अगर हमारा अमरीकी ग्राहक बिदक गया तो हमारे पले तो कुछ न पड़ा आखिर पेंटिंग्स कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हाथ के हाथ हम किसी दूसरे ग्राहक को बेच लेंगे हमारा अमरीकी ग्राहक बिदकने या धोखा देने वाला नहीं तो काराम बोला न सही भंडारी बोला लेकिन फिर भी अगर बिदक गया धोखा दे गया तो कहा न नहीं बिदकेगा नहीं धोखा देगा उसकी गारंटी मैं लेता हूं कोई कुछ न बोला फिलहाल विमल बोला आप अपने अपने खुदा से यही दुआ कीजिए कि तुकाराम की गारंटी खरी निकले आमीन रुस्तम भाई बोला चलिए मान लीजिए अकबर बोला रोकड़ा हमें मिल गया उसके बाद क्या होगा उसके बाद कुछ दिन छा करोड़ की उस रकम को तुकाराम बोला किसी ऐसी जगह छुपाकर रखना होगा जिसकी न किसी को भनक पड़े और जिसका न किसी को ख्याल आए बुधवार की रात को हम सब लोगों ने अलग होकर बिखर जाना है माल के लिए जगह कोई ऐसी होनी चाहिए जिसकी हम में से किसी से भी रिश्तेदारी न जोड़ी जा सके उससे फायदा यह होगा कि बकिस्मती से अगर हमारे में से किसी की तरफ पुलिस की तवज्जो चली भी गई तो उन्हें हासिल कुछ नहीं होगा पुलिस की तवज्जो अकबर जयरत और रामना की तरफ जा सकती है रुस्तम भाई बोला ये नायक कंपनी के के आदमी जरूर बताए जाएंगे। चोरी के बाद पुलिस की इनकी तरफ तवज्जो जरूर जाएगी क्यों जाएगी खुद भंडारी इस बात का गवाह होगा कि ये तो शाम पांच बजे अपना काम खत्म करके उसकी आंखों के सामने वहां से चले गए थे फिर भी पुलिस इन्हें तलब करेगी बाप इतनी बड़ी चोरी की बड़ी व्यापक पूछताछ होगी पुलिस हर उस आदमी को तलब करेगी जिसकी चोरी के दौरान आठ गैलरी तक पहुंच थी। फिर नायक एंड कंपनी के आदमियों को भी तलब किया जाएगा किया जाएगा तो किया जाए ये सचमुच ही नायक एंड कंपनी के आदमी थोड़े ही हैं। पुलिस इन्हें तलब करेगी तो नायक इन्हें कहां से बरामद करेगा हमारा उसके लड़के को नुकसान पहुंचाने का तो कोई इरादा नहीं नहीं। यानी कि तब तक उसका लड़का सुरक्षित घर पहुंच चुका होगा फिर तब नायक को पुलिस के सामने हकीकत बयान करने से कौन रोकेगा कोई नहीं फिर ये तीनों पुलिस की जानकारी में नहीं आ जाएंगी आ जाएं। उससे क्या हासिल होगा पुलिस को ये कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है पुलिस में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है एक करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस शहर में से पुलिस सरसरी तौर से बयान किए गए इनके हुलिये के दम पर इन्हें नहीं तलाश कर सकती पुलिस सोहल को तो आज तक मुंबई में तलाश कर नहीं पाई जिसकी कि उनके पास दर्जन तरह की तस्वीरें भी है और उंगलियों के निशान भी है यह फिर भी एक कमजोर कड़ी है जो कभी हमारे लिए मुसीबत बन सकती है नहीं बनेगी अकबर बोला हम इस मामले में मुकम्मल सावधानी बरतेंगे हम अपना हिस्सा हासिल होते ही मुंबई से नक्की हो जाएंगे फिर भी अगर हम पकड़े गए जयरत बोला तो चाहे कुछ भी हो जाए हम आप लोगों के बारे में अपनी जुबान नहीं खोलेंगे हम वादा करते हैं रामन्ना बोला यानी कि हमारे पकड़े जाने से हमारा ही नुकसान होगा आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्या ऐसा नहीं हो सकता भंडारी बोला कि ये लोग हुलिया तब्दील कर लें। अब उसके लिए वक्त नहीं तुकाराम बोला वक्त होता अकबर बोला तो हम दाड़ियां बढ़ा लेते जो कि वारदात के फौरन बाद हम मुंडवा देते पागल हुए हो भंडारी तुरंत बोला यह कोई फिल्म नहीं है जिसमें कि ऐसी बोधी बात चल जाएगी आप यह मसला छोड़िए अकबर बोला हमारे पकड़े जाने में नुकसान हमारा है इसलिए जाहिर है कि हम जीजान से कोशिश करेंगे कि हम पकड़े न जाएं। फिर भी अगर हम पकड़े गए तो हमारा आपसे वादा है कि हम आप लोगों पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे लेट्स होप फॉर बेस्ट भंडारी बोला आप यही मानकर चलिए कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे बात किसी ऐसी जगह की हो रही थी वागले बोला जहाँ की केस की तफ्तीश ठंडी पड़ जाने तक छ करोड़ की रकम छुपी रह सके ऐसी जगह हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है और उसे हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं तुकाराम तो बोला कौन सी भंडारी का बांद्रा वाला फ्लैट जहां के नायक का लड़का गिरफ्तार है क्यों भंडारी भंडारी ने सहमति में सिर हिलाया अगर इसकी सहेली दगा दे गई तो रुस्तम भाई बोला ऐसा नहीं होगा भंडारी बोला ऐसा नहीं हो सकता ऐसा ना हो सके तो काराम बोला उसका भी इंतजाम किया जाएगा कैसे सोहल वहां रहेगा आखिर मुंबई शहर में इसे भी तो छुपने की जगह की जरूरत है यह एक पंथ दो का जैसा काम होगा यह वहाँ रहेगा भंडारी तनिक विचलित स्वर में बोला मंजुला के साथ विमल ने घूर कर उसे देखा खातिर जमा रखो भंडारी तुकाराम बोला सोहल वैसा आदमी नहीं भंडारी खामोश रहा लेकिन उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए कोई साहब तुकाराम बोला कोई और सवाल करना चाहते हो वारदात के बाद हम लोगों में संपर्क कैसे होगा अकबर बोला संपर्क नहीं होगा कम से कम पंद्रह दिन तक हम लोगों ने एक दूसरे के पास भी नहीं फटकना है फिर मैं खुद सबसे संपर्क करूंगा और बताऊंगा कि माल का बंटवारा कैसे कब और कहां होना है उस दौरान रुस्तम भाई बोला अगर सोहल माल लेकर चंपत हो गया तो इस हकीकत की खबर हमें पंद्रह दिन बाद लगेगी तुकाराम ने यू कहर भरी निगाहों से रुस्तम भाई को देखा जैसे उसने विमल को कोई गंदी गाली दी हो मेरे मन में जो था मैंने कह दिया रुस्तम भाई पूरी दिखाई से बोला आखिर मन की बात मन में रखने का क्या फायदा तुम मूर्ख हो तुकाराम सख्ती से बोला अगर इसकी ऐसी कोई नियत होगी तो यह माल को बांद्रा पहुंचने ही क्यों देगा जब माल हमारे हाथ लगेगा तब इसके साथ सिर्फ मैं होऊंगा यह तभी क्या मुझ अकेले से नहीं निपट सकता यह तभी क्या माल लेकर चंपत नहीं हो सकता तुम जानते नहीं हो वागले भी आवेशपूर्ण स्वर में बोला कि यह तुच्छी बात तुमने किसके बारे में कही है साबान भंडारी बोला एक दूसरे पर एक बार किए बिना यह गाड़ी आगे नहीं चलने वाली वह मसल याद कीजिए कि ईमानदारी सिर्फ चोरों में होती है ऐसे हम एक दूसरे पर शक करने लगे तो हम पहले ही कदम पर मात खा जाएंगे रुस्तम भाई रामन्ना बोला सारी बोलो सारी रुस्तम भाई बोला तो फिर मीटिंग बर्खास्त की जाए तो काराम बोला सपने सहमति में सिर हिलाया भंडारी को छोड़कर कल से सपने रुस्तम भाई के गैरेज में फायर ब्रिगेड का नकली इंजन बनाने का काम करना है फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई एस्ट्रिस्क 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 यह आदमी धोखा देगा बाद में पीछे तुकाराम वागले और विमल अकेले रह गए तो विमल बोला कौन तुकाराम बोला रुस्तम भाई, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यह किसी और फिराक है किस फिराक में होगा क्या कर सकता है कुछ हम कुछ जरूर करेगा कुछ सोच सकता है उसे अंजाम नहीं दे सकता मुकम्मल हालात पर हमारा कंट्रोल है इस योजना की सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे सिवाय पेंटिंग की रोकड़े से अदलादली कोई नहीं कर सकता और रोकड़ा इन्हें हैंडल करने नहीं दिया जाएगा इनके हाथ पेंटिंग लगेंगी लेकिन उनके साथ भाग जाना ये खुद ही नहीं चाहेंगे रोकड़े पर आखिर तक हमारा कंट्रोल रहेगा इसलिए ये चाहकर भी कोई बेमानी नहीं कर सकेंगे अलबत्ता हम रोकड़े को खुद हजम कर जाने की स्थिति में बराबर होंगे जैसा कि हमारा कोई इरादा नहीं इसके मन में कुछ है जरूर क्या कर सकता है बांद्रा वाले फ्लैट पर हमला कर सकता है और जबरन रोकड़ा हथिया सकता है क्या नहीं कर सकता ऐसी कोशिश कोई भी कर सकता है लेकिन उस कोशिश के बाद वो तुकाराम के हाथों बचा नहीं रह सकता छह करोड़ की रकम अकेले हजम कर जाने की कोशिश करना कोई हंसी खेल नहीं है उ? और फिर इतना दिलेर यह है भी नहीं दिलेरी किसी की शह से किसी के गठजोर से भी आ सकती है आने वाले दिनों में मैं इस पर निगाह रखूंगा अगर इसे किसी की शाह हासिल हुई तो बात मुझसे छुपी नहीं रहेगी फिर मैं पहले ही इसका काम तमाम कर दूंगा विमल कुछ क्षण खामोशी से पाइप के कश लगाता रहा और फिर बोला यह जुबान की कीमत समझने वाला आदमी नहीं जुबान देकर मुकर जाना इसके लिए मामूली काम है मुझे इस फितरत का जाती तजुर्बा है कैसे सुरजीत कौर की मौत के बाद डोगरा की तलाश में सबसे पहले मैं इसी के पास पहुंचा था डोगरा का पता तो इसने मुझे नहीं बताया था लेकिन मैंने इसे बहुत धमकाकर मौत का खौफ़ दिलाकर हिदायत दी थी अगर इतफ़ाक से भी यह डोगरा से टकरा जाता तो इसने डोगरा को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना था तुका हकीकतन मेरे पीठ फेरते ही यह डोगरा के हजूर में पहुंच गया था और इसी वजह से डोगरा कहीं जा छुपा था जहां से उसे तलाश करने में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे रुस्तम भाई को यह वाक्या याद होगा। जरूर याद होगा अलबत्ता वह यह जरूर सोच रहा होगा कि मैं यह वाक्य भूल गया होऊंगा। तू तो रुस्तम भाई के बारे में हल्का न हो सरदार उसे मैं संभाल लूंगा अगर वह कोई दगाबाजी करेगा तो मैं उसका भी तोड़ निकाल लूंगा तुका, उस आदमी को ठीक नहीं चुना अब जो हो गया सो हो गया अब खड़े पैर इसकी जगह किसी दूसरे आदमी का इंतजाम करना मुमकिन नहीं मुमकिन हो भी तो मुनासिब नहीं अब यह हमारी स्कीम की बाबत सब कुछ जान जो गया है सरदार मैं फिर कहता हूँ तू हल्का मत हो यह रुस्तम भाई अंधेरी वाला मेरी जिम्मेदारी रहा इसकी वजह से कोई घोटाला हुआ तो मुझे जिम्मेदार ठहराना ठीक विमल ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिला दिया फिर होठों में बुदबुदाया जो तुद भावे नान का सोई भलीकार। एस्ट्रिस्क 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 वह आदमी तुकाराम है इंस्पेक्टर चटवाल बोला कौन आदमी तुकाराम है? रुस्तम भाई बोला, जिससे तुम शाम को एल्फ्रेड के बार में मिले थे, मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था वह तुकाराम है नाम तो उसका अब मैं भी जानता हूं नाम तो उसने खुद ही बता दिया था लेकिन वो है कौन तुकार राम और उसके शांताराम बालेराम, जीवाराम और देवाराम नाम के चार भाई कभी स्मगलिंग का धंधा करते थे तब शांताराम उनका सरगना था और वे लोग राज बहादुर बखिया से अलग अपनी बादशाहत खड़ी करने के सपने देख रहे थे बखिया ने इन्हें एक वार्निंग दी थी लेकिन ये बाज नहीं आए थे फिर इन्हें सबक देने के लिए बखिया ने शांताराम का उसके पूरे परिवार समेत कत्ल करवा दिया था बखिया के उस बाज़ जैसे एक ही झपट्टे ने बाकी चारों भाइयों के कसबल ढीले कर दिए थे उन्होंने फ़ौरन अपना स्मगलिंग का धंधा फ्रीज कर दिया था उन्हीं दिनों मुंबई में सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के कदम पड़े थे और पता नहीं क्यों उसने अकेले ही बखिया और उसकी बादशाहत के ख़िलाफ़ जेहाद छेड़ दिया था बखिया से बदला लेने के ख्वाहिशमंद मकतूल शांताराम के चारों भाई सोहल से मिल गए थे नतीजतन बहुत खून खराबा हुआ था तो तबाह हुआ ही था शांताराम के तीन और भाई भी उस जंग में मारे गए थे सिर्फ तुकाराम बाकी बच गया था लेकिन सोहल के भी एकाएक गायब हो जाने के बाद वह बिल्कुल टूट गया था अब लगता है उसे फिर से होशियारी आ रही है रुस्तम भाई खामोश रहा चैंबूर में हुई मीटिंग की पूरी दास्तान वह चटवाल को सुना चुका था तुमने सोहल को पहचाना था चटवाल ने सवाल किया मैंने पहले जिंदगी में एक ही बार देखा था उसे रुस्तम भाई बोला तब वह एक सिख नौजवान के बहुरूप में था और मुझे तो बहुत बाद में मालूम हुआ था कि वही सोहल था आज वो एक हिप्पी जैसी सूरत बनाए था मुझे मिले सिख नौजवान में और उस हिप्पी में प्रत्यक्षत कोई समानता नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे गारंटी है कि वह सोहल ही था यानी कि तुकाराम और सोहल की युगल जोड़ी फिर मिल गई है हाँ और वे आलमगीर आर्ट गैलरी से फ्रांसीसी पेंटिंग एंड चुराने की फिराक में है हाँ। मुझे सारी दास्तान फिर से सुनाओ क्यों फिर से क्या अरे सुनाओ तो बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से रुस्तम भाई ने सब कुछ फिर से दोहरा दिया वेरी गुड चटवाल खुशी से हाथ मलता बोला यानी कि बाद में छह करोड़ रुपए की मोटी रकम सिर्फ सोहल की हिफाजत में बांद्रा के उस छोकरी के फ्लैट में होगी यानी कि सारे के सारे मुश्किल काम वे लोग करेंगे और सबसे आसान काम मैं करूंगा तुम किस फिर फिराक में हो अरे यह भी कोई पूछने की बात है माल जब बांद्रा वाले फ्लैट में पहुंच जाएगा तो हम चील की तरह एक ही झपट्टा मारकर उसे अपने कब्जे में कर लेंगे हम हां तुम और मैं मैं कैसे मैंने कुछ किया तो वे लोग मेरा कीमा नहीं बना देंगे मुझे तो सोहल से पहले से बहुत डर लगता है उसकी आंखें तो अरे मैं उसको भी खत्म कर दूंगा लेकिन मैं ठीक है तुम न सही मैं अकेला भी इस काम को अंजाम दे सकता हूं तुम उन्हीं लोगों के सगे बने रहना मेरा तो किसी को ख्याल भी नहीं आएगा बाद में जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम माल आपस में बांट लेंगे आपस में बांट लेंगे रुस्तम भाई मंत्रमुग्ध स्वर में बोला फिफ्टी 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 रुस्तम भाई फिफ्टी फिफ्टी अब माल में आठवें हिस्से की जगह आधे हिस्से के सपने देखो मुझे तो अपनी तबाही के सपने आ रहे हैं मुझे तो यूँ लग रहा है कि अनजाने में मैंने शेर की पूंछ पकड़ ली है जिसे मुझसे अब न पकड़े रहते बन रहा है और न छोड़ते बन रहा है चटवाल ने जोर का अट्ठास किया उसने रुस्तम भाई की पीठ पर एक जोर की धौल जमाई और बोला तुम बिल्कुल मत घबराओ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होने वाला लेकिन उस आश्वासन से रुस्तम भाई अंधेरी वाला के चेहरे पर रौनक न आई आज जैसी मीटिंग चटवाल बोला दोबारा कभी हो तो मुझे एडवांस में खबर करना क्यों? मैं चुपचाप सारे चोरों की सूरत देखूंगा हासिल शायद कुछ हो अगर उन्हें तुम्हारी भनक लग गई तो नहीं लगेगी हरगिज नहीं लगेगी रुस्तम भाई एक क्षण खमोश रहा फिर उसने बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से सहमति में सिर हिला दिया चैप्टर दो आने वाले दिनों में भंडारी और रुस्तम भाई को छोड़कर बाकी जने रुस्तम भाई के अंधेरी में ही मौजूद बंद गैरेज में एक ट्रक को फायर ब्रिगेड के इंजन की सूरत देने के निहायत पेचीदा और मेहनत वाले काम में लगे रहे उसी दौरान अकबर जयरथ रामन्ना रुस्तम भाई और वागले नाप की फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स जैसी पांच वर्दियों का भी इंतजाम कर लिया गया धुएं के बम थोड़ी दिक्कत से हासिल हुए लेकिन हो गए कैनवस के बने पानी के लंबे पाइप और उसके आगे लगने वाली पीतल की नलकी का इंतजाम मामूली काम था आर्ट गैलरी की दूसरी मंजिल के हाल के ताले की डुप्लीकेट चाबी भंडारी अगले ही दिन हासिल करने में कामयाब हो गया ग्लासन पेपर का रोल तुकाराम को उसके अमरीकी खरीदार ने दिया जो दूसरी आइटम हासिल करने में थोड़ी दिक्कत पेश आई गैस मास्क थे लेकिन उनका भी इंतजाम हो गया एक बंद मेटाडोर और एक एम्बेडर गाड़ी का इंतजाम करने में भी कोई दिक्कत पेश न आई शुक्रवार सुबह तक हर चीज तैयार थी सिवाय फायर ब्रिगेड के इंजन के लेकिन उस पर भी काम जोरों से हो रहा था और उसने जरूरत से पहले तैयार हो जाना था एस्ट्रिस्क 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 शुक्रवार सुबह अकबर जयरथ और रामन्ना जेकब सर्कल पर नायक एंड कंपनी के ऑफिस में पहुंचे वे एक किराए के टेम्पो में वहां पहुंचे थे जयरथ और रामन्ना टेम्पो से उतरकर सड़क के मोड़ तक चले गए थे और अकबर ऑफिस के भीतर दाखिल हो गया था भीतर वह अपने बच्चे अंजाम से त्रस्त नायक से मिला उसने नायक को आश्वासन दिलाया कि लड़का एकदम राजी खुशी था और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहा था वो वापस कब लौटेगा नायक ने व्याकुल भाव से पूछा नहीं मंगलवार रात को या बुधवार सवेरे अकबर बोला देखो तुम मेरे बच्चे को अभी लौटा दो मैं गणपति की कसम खाकर वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों की बाबत अपनी जुबान नहीं खोलूंगा और जो तुम चाहते हो बदस्तूर करता रहूंगा ऐसा नहीं हो सकता अकबर दृढ़ स्वर में बोला उसकी माँ रो रो कर हलकान हो रही है उसे समझाओ नहीं समझती मुझे तो डर लग रहा है कि बेटे के गम में कहीं मर ही न जाए उसे विश्वास दिलाओ कि बच्चा एकदम सेफ हाथों में है नहीं मानती फिर हम मजबूर हैं देखो सुनो और नहीं तो तुम एक बार मां की बच्चे से बात ही करा दो कैसे माँ को भी बच्चे के पास ले जाए नहीं टेलीफोन पर बात करा दो अकबर हिचकिचाया खान प्लीज नायक गिरगिराया मेरी बीवी पर तरस खाओ ठीक है अकबर बोला आज रात को किसी वक्त तुम्हारे घर पर तुम्हारे बच्चे की टेलीफोन कॉल आ जाएगी मेहरबानी तुम्हारी अब हमारे पास निकालो नायक ने आलमगीर आर्ट गैलरी के डायरेक्टर के दस्तखत शुदा तीन पास उसे सौंप दिए अब फाल सीलिंग का सामान नायक के आदेश पर सामान टेम्पो में लदवा दिया गया अकबर टेम्पो पर सवार हुआ टेम्पो वहां से रवाना हो गया मोड़ पर जयरथ और रामन्ना भी उसमें सवार हो गए टेम्पो जब आलमगीर आर्ट गैलरी पहुंचा तो उसमें लकड़ी की दो पेटियों में बंद एक चौथाई सामान ही था बाकी सामान वे रास्ते में अपने एक सुरक्षित ठिकाने पर छोड़ आए थे वहां भंडारी प्रवेश द्वार पर मौजूद था लेकिन उसकी दखल की नौबत आए बिना ही वे निर्विघ्न भीतर पहुंच गए उनके नाम जारी पासों ने ही सारा काम कर दिया किसी ने उन्हें पेटियां खोलने को नहीं कहा क्योंकि वह पहला दिन था इसलिए एक सुरक्षा गार्ड उन्हें दूसरी मंजिल के उस हाल में छोड़कर गया जहां की फाल सीलिंग बननी थी वहां गार्ड के सामने ही उन्होंने पेटियों का सारा सामान निकालकर फर्श पर छितरा दिया गार्ड की और भी तसल्ली हो गई उनके थोड़ी देर बाद वहां दीवारों पर वाल पेपर लगाने वाले और फर्श पर पीवीसी की टाइले बिछाने वाले कारीगर भी पहुंच गए शुक्रवार का दिन निर्विघ्न कटा शनि और रविवार के दो दिनों में उन्होंने चोरी में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान वहां पहुंचा दिया और तब तक काफी सारी बंदफाल सीलिंग के भीतर छुपा दिया छुट्टी के उन दिनों में वहां हाल के दरवाजे के बाहर एक गार्ड मौजूद रहता था लेकिन वह वहां, वहां बैठा उंगता ही रहता था आखिर खाली हाल में से कोई क्या चुरा ले जा सकता था उसकी वहां मौजूदगी का मूल प्रयोजन यह था कि हाल में काम करते कारीगर इधर उधर भटकने की कोशिश न करें। सोमवार शाम तक सब कुछ निर्विघ्न हुआ योजना नुसार हुआ एस्ट्रिस्क 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 सोमवार को तुकाराम के चैंबूर वाले मकान में आठों जब फिर इकट्ठे हुए हाल तैयार है भंडारी ने बताया फर्श बन गया है दीवारों पर वाल पेपर लग गया है और फाल सीलिंग अकबर बोला ऐसे नाजुक मोड़ पर अटकी हुई है कि मुकम्मल न होने की सूरत में बहुत भी लगेगी और सारे हाल की शो बिगाड़ देगी और उसे मुकम्मल करने में कल का सारा दिन दरकार होगा बढ़िया तुकाराम बोला फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तैयार है सिर्फ उसके दोनों पहलुओं में मुंबई फायर सर्विस लिखना बाकी रह गया है जो आज इसलिए नहीं लिखा जा सका क्योंकि उन पर किया गया लाल रंग अभी ठीक से सूखा नहीं है कल यह काम भी हो जाएगा कोई कुछ न बोला दोस्तों तुकाराम बोला इस काम का हम फुल ड्रेस रिहर्सल तो कर नहीं सकते लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि हम जुबानी जुबानी एक बार वह तमाम सिलसिला फिर दोहरा ले जिससे कि हमने दो चार होना है कई सिर सहमति में हिले आप कल्पना कीजिए कि कल की शाम हो चुकी है पेंटिंगे अपने स्थानों पर टांगी जा चुकी है अकबर जयरथ और रामन्ना फाल सीलिंग में छुप चुके हैं और हाल को बाहर से ताला लग चुका है तुकाराम एक क्षण फिटका और फिर बोला सर्कट में टाइम क्लॉक लगाई जा चुकी है उस पर सात और आठ बजे के टाइम सेट किए जा चुके हैं इमारत की तमाम फालतू बत्तियां बुझाई जा चुकी है और उस पर मजबूती से ताले पड़ चुके हैं बाहर गार्ड मौजूद है और इमारत के घेरे की गश्त जारी है अंधेरी में फायर ब्रिगेड के इंजन के साथ फायर फाइटर्स की वर्दियां पहने रुस्तम भाई और वागले तैयार हैं। इस बात का जायजा पहले ही लिया जा चुका है कि अंधेरी से फोर्ट एरिया पहुंचने में कितना वक्त लगता है उस लिहाज से अगर ये दोनों ठीक पौने आठ बजे अंधेरी से रवाना होंगे तो एन उस वक्त आलमगीर आर्ट गैलरी पहुंचेंगे जबकि अकबर जयरत और रामन्ना इमारत से बाहर निकल रहे होंगे इन्हें पहले से ही समझा दिया गया है कि हमारा नकली फायर ब्रिगेड कहाँ खड़ा होगा ताकि ये वहाँ मची अफरा तफरी और नीमान धेरे में कहीं किसी असली इंजन की तरफ ही न दौड़ पड़े मैं और सोहल अपनी अपनी गाड़ियों के साथ आजाद मैदान में निर्धारित स्थान पर मौजूद हैं। दुरुस्त सपने सहमति में सिर हिलाया अब तुकाराम अकबर और उसके साथियों की तरफ घूमा तुम बोलो तुम लोग क्या करोगे समझो शाम के साथ बस गए हैं अब आगे शुरू करो हम फाल सीलिंग में से निकल आते हैं अकबर बोला और पेंटिंगों को उनके फ्रेमों से अलग करना शुरू कर देते हैं हम पेंटिंगों को ग्लासन पेपर में लपेटते जाते हैं और उन्हें कैनवस के पाइप में धकेलते जाते हैं सारी पेंटिंगों के पाइप में पहुंच जाने के बाद हम उनके दहाने पर पीतल की नलकी ठीक देते हैं मैं वापस सीलिंग में दाखिल हो जाता हूं, रामन्ना बोला और रोशनदान के रास्ते बाहर निकल जाता हूं। बाहर से मैं भंडारी साहब से हासिल डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलता हूं और दरवाजे के रास्ते हाल में दाखिल होता हूं। तब हम तीन नो जैरद बोला फायर ब्रिगेड वाली वर्दियाँ पहन लेते हैं और चेहरों पर गैस मास्क चढ़ा लेते हैं वाले पाइप और धुएं के बमों के साथ हम नीचे पहुँचते हैं वहाँ मेन गेट के दाए पहलू में रिसेप्शन है जिसके काउंटर के पीछे हम पाइप छुपा देते हैं फिर हम मेन गेट से लेकर दूसरी मंजिल तक के रास्ते पर जगह जगह धुएं के बम रख देते हैं दूसरी मंजिल के हाल को हम पहले की तरह ताला लगा देते हैं तब तक आठ बज चुके होते हैं मैं और रामन्ना धुए के बमों को चालू करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं और रिसेप्शन काउंटर के पीछे जा छुपते हैं पीछे रह गया अकबर हाल के दरवाजे को दोबारा छेड़ता है तो खतरे की घंटियां बजने लगती है क्योंकि तब तक आठ बज चुके होते हैं और टाइम क्लॉक अलॉर्म सर्किट में करंट को दोबारा चालू कर चुकी होती है अकबर भी भागता हुआ नीचे पहुंचता है और हम दोनों के साथ काउंटर के पीछे आ छुपता है तब तक दो दर्जन धुएं के बमों से निकलता धुआं सारी इमारत के भीतरी भाग को अपनी लपेट में ले चुका होता है फिर सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट पर पहुंचते हैं और उसे खोलते हैं भीतर धुआं ही धुआं फैला देखकर वो यही हैं कि इमारत में कहीं आग लग गई थी फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया जाता है आनंद फानंद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच जाती है फायर ब्रिगेड वाले गैस मास्क पहने आग बुझाने के साजो सामान के साथ भीतर दाखिल होते हैं और आग के साधन की तलाश में इमारत में फैल जाते हैं तब हम तीनों काउंटर के पीछे से निकलते हैं और पेंटिंगो वाला पाइप उठाए उसे अपने पीछे घसीटते हुए इमारत से बाहर निकलते हैं मेन गेट खुला होने की वजह से तब तक इमारत के भीतर का धुआं कंपाउंड के बाहर भी फैल चुका होता है अपार व्यस्तता का प्रदर्शन करते हुए हम पाइप समेत कंपाउंड से बाहर की तरफ भागते हैं कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता हर किसी की निगाह में हम अपनी ड्यूटी भुगताते फायर फाइटर होते हैं हम वहां रुकते हैं जहां की हमारे वाला नकली फायर ब्रिगेड का इंजन खड़ा होता है हम उस पर सवार हो जाते हैं इंजन वहां से भाग निकलता है खेल खत्म अकबर अभी से खुशी से दमकता हुआ बोला आगे का काम तो मामूली है भंडारी बोला इंजन आजाद मैदान में पहुंचता है वहां इंजन में में मौजूद जने सोहल वाली में सवार हो जाते हैं वहीं गैस मास्क और वर्दियां फेंक दी जाती है पेंटिंग वाले पाइप को मेटाडोर में लाद दिया जाता है फिर दोनों गाड़ियां अपनी अपनी राह वहां से रवाना हो जाती है पाइप रोड पर पहुंचने से पहले पेंटिंगों को पाइप से निकाल लिया जाता है बोला और पाइप को चलती मेटाडोर से बाहर रास्ते में कहीं फेंक दिया जाता है तुलसी पाइप रोड पर निर्धारित स्थान पर हमारा अमरीकी खरीदार हमें मिलता है हम उसे उसका माल सौंपते हैं वह हमें हमारा माल सौंपता है मेटाडोर बांद्रा पहुंचती है सोहल माल के साथ भंडारी के मंजुला वाले फ्लैट में चला जाता है मैं उस वक्त सोए पड़े नायक के बच्चे के साथ वहाँ रवाना हो जाता हूँ रास्ते में बच्चे को मैं किसी राह चल चलते टैक्सी वाले के हवाले करता हूँ जो कि बच्चे को सायन में नायक के घर छोड़ आता है किस्सा खत्म तुकाराम खामोश हो गया उसकी प्रश्न सूचक निगाह पैन होती हुई एक एक चेहरे पर फिरी किसी को अभी भी कोई शंका हो तुकाराम बोला जिसका वह समाधान चाहता हो वह फायर ब्रिगेड वाला ट्रक मुझे फंसा सकता है रुस्तम भाई कठिन स्वर में बोला तुम फिर ट्रक के पीछे पड़ गए तुकाराम उसे घूरता हुआ बोला आज़ाद मैदान में लावारिस खड़ा ट्रक बरामद होगा कि नहीं होगा उसके घूरने की परवाह किए बिना रुस्तम भाई बोला उसके साथ वहां मौजूद फायर फाइटर्स की पांच वर्दियां और तीन गैस मास्क बरामद होंगे कि नहीं होंगे कि बरामदी होते ही पुलिस समझ जाएगी कि पेंटिंगों की चोरी को कैसे अंजाम दिया गया था फिर उन्हें यह सूझेगा या नहीं सूझेगा कि एक ट्रक को फायर ब्रिगेड के इंजन की सूरत किसी वर्कशॉप में ही दी गई होगी फिर मुंबई शहर के सारे वर्कशॉप वालों की शामद आएगी कि नहीं आएगी जब उनकी नजरेनायत मेरे गैरेज पर होगी तो गैरेज के एक हफ्ते से बंद पड़ा होने का वे कोई और ही मतलब लगाएंगे हजरात एक बार मैं पुलिस की निगाहों में आ गया तो फिर सोचिए मेरी क्या गत बनेगी तो क्या किया जाए साबान वारदात के बाद आजाद मैदान में वह साजो सामान लावारिस छोड़ना दानिशमंदी न होगी वह ट्रक वो वर्दियां, वो गैस मास्क गायब होने चाहिए गैस मास्क और वर्दियां गायब कर देना तो मामूली काम होगा भंडारी बोला लेकिन ट्रक कैसे गायब किया जा सकता है उसको आग लगाई जा सकती है अकबर ने सुझाव ने दिया आग लगने से भी चक राख नहीं हो जाता वह जलकर भी अपने ढांचे में चक ही रहता है रुस्तम भाई बोला समुद्र में डुबो दिया जाए वागले बोला बरामद हो जाएगा रुस्तम भाई ने दुहाई दी तो फिर क्या किया जाए तुकाराम झुंझलाकर बोला रुस्तम भाई तुम तो ऐन मौके पर बनी बनाई परोसी जाने को तैयार खीर में मक्खी डाले दे रहे हो इसका एक ही हल है विमल धीरे से बोला क्या रुस्तम भाई आशापूर्ण स्वर में बोला कि वारदात के बाद इंजन को वापस तुम्हारे गैरेज में ले जाकर बंद कर दिया जाए रुस्तम भाई हड़बराया और फिर जैसे धीरे धीरे ट्रक को फायर ब्रिगेड के इंजन का रूप दिया गया था वैसे ही धीरे धीरे उसे वापस ट्रक में तब्दील कर दिया जाए यह फालतू का काम है तुकाराम बोला लेकिन सेफ काम है किया जा सकने वाला काम है और रुस्तम भाई की तसल्ली के लिए जरूरी काम है लेकिन रुस्तम भाई ने कहना चाहा। क्यों न एक काम और भी किया जाए भंडारी एकाएक बोला क्या अलार्म सिस्टम सिर्फ दूसरी मंजिल के हाल को ही कवर करता है बाकी इमारत उससे कवर्ड नहीं है अलबत्ता सारी इमारत को ऐसे सिस्टम से कवर करने पर विचार हो रहा है और यह काम होते होते होगा मैं यह कह रहा था कि कल जब अकबर और उसके साथ ही फाल सीलिंग का बाकी बचा काम मुकम्मल करने के लिए आठ गैलरी में जाएं तो अपने साथ एक रबड़ चढ़ा लोहे का हुक लगी लंबी रस्सी लेकर जाएं। कल रात को अपने बाकी कामों के साथ साथ ये एक यह भी करें कि ये दूसरी मंजिल के किसी गलियारे की या किसी टॉयलेट के पिछवाड़े के कम्पाउंड की तरफ खुलने वाली एक खिड़की ऐसी खिड़की इन्हें मैं बता दूंगा खोल दे रस्सी के सिरे पर लगे हुक को खिड़की की चौखट के साथ या कहीं और अटका दे और रस्सी को खिड़की से बाहर लटका दे उस रस्सी की वजह से बाद में यही समझा जाएगा कि चोर उस खिड़की के रास्ते भीतर दाखिल हुए थे खिड़कियां क्या भीतर से बंद नहीं होती विमल बोला होती है लेकिन कभी कोई खिड़की खुली भी तो रह गई हो सकती है कबूल लेकिन चोरों को यह कैसे मालूम होगा कि इमारत की बेशुमार खिड़कियों में से कौन सी खिड़की खुली रह गई थी इससे महज यह जाहिर होगा कि गैलरी का कोई कर्मचारी चोरों से मिला हुआ था वागले बोला भंडारी साहब हमारी समस्या यह छुपाना नहीं है कि चोर भीतर कैसे घुसे रुस्तम भाई की तसल्ली के लिए हमारी समस्या यह छुपाना है कि चोर वहां से कूच कैसे कर गए रुस्तम भाई यह चाहता है कि किसी तरीके से उसके गैरेज में बने फायर ब्रिगेड के ट्रक की तरफ पुलिस की तवज्जो न जाए हमने असल में तो खिड़की के रास्ते भीतर दाखिल होना या वहां से निकलना नहीं है पेंटिंगों के साथ वैसे वहां से जाया जा ही नहीं सकता हम गश्त के गार्डो द्वारा फौरन पकड़े जाएंगे असल में तो हमने आग के जामे की वजह से मची आपाधापी में मेन गेट से निकलकर जाना है धुएं के बादल छाए होने के बावजूद 24 पेंटिंगों के साथ मेन गेट से किसी और तरीके से पुलिस और गार्डों की निगाहों से बचकर नहीं निकाला जा सकता पानी का पाइप घसीटते फायर फाइटर्स का नजारा ही है जो उस माहौल को देखने वालों को स्वाभाविक लग सकता है और हजम हो सकता है अगर हमारा नकली इंजन फायर फाइटर्स की वर्दियां और गैस मास्क बरामद नहीं होंगे तो पुलिस को नहीं सूझेगा कि चोर वहां से भाग निकलने में कैसे कामयाब हुए थे यहाँ मैं कबूल करता हूँ कि रुस्तम भाई के एतराज में दम है ये तामझाम बरामद नहीं होना चाहिए इससे तो पुलिस को झट सूझ जाएगा कि असल में क्या हुआ होगा यह एक अच्छा पॉइंट है जो रुस्तम भाई ने उठाया है बड़े नाजुक मौके पर उठाया है लेकिन अच्छा किया है कि उठाया है साबान वर्दियां और गैस मास्क गायब कर देना मामूली काम है लेकिन इंजन गायब करने का सिवाय उसके जो मैंने अभी सुझाया है और कोई तरीका नहीं लेकिन रुस्तम भाई बोला इंजन वापस मेरे गैरेज में अगर हफ्ता भर इंजन के बनते रहने में किसी को उसकी भनक नहीं मिली तो और चार दिन उसके उधरते वक्त भी किसी को उसकी भनक नहीं मिलेगी लेकिन इतने दिन गैरेज बंद रहने की मैं क्या सफाई दूंगा यह कि तुम मोटर वर्कशॉप का धंधा ही छोड़ रहे हो इससे बढ़िया सफाई और क्या हो सकती है तुम कह सकते हो धंधे में कोई मुनाफा नहीं रहा इसलिए तुम उसे बंद कर रहे हो आने वाले दिनों में तुम्हें वैसे भी ऐसे छोटे मोटे धंधे करते रहने की जरूरत नहीं रहने वाली रुस्तम भाई हिचकिचाया और कोई चारा नहीं रुस्तम भाई तुकार बोला ठीक है फिर रुस्तम भाई अनिच्छापूर्ण स्वर में बोला अब यह रस्सी वाला आइडिया पास रहा या फेल भंडारी बोला पास ही कीजिए इसे अकबर जल्दी से बोला वह आइडिया हमारा कुछ संवार ही सकता है बिगाड़ तो नहीं सकता ठीक है विमल बोला पास अब आप सब लोग तुकाराम समापन के अंदाज में बोला अपने अपने इष्ट देवताओं से यह दुआ मांगते हुए रुख सक हो ये कि कोई अनहोनी न हो जाए कोई ऐसा व्यवधान न आ जाए जिसका हमें इल्हाम न हो आमीन। रुस्तम भाई सबसे पहले बोला लेकिन व्यवधान आया ऐसा व्यवधान आया जिस पर उन लोगों का कोई जोर भी नहीं था एस्ट्रिस्क 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 भंडारी व्याकुल था और रह, रह कर घड़ी देख रहा था साढ़े दस बज गए वे लेकिन पेंटिंगों का अभी तक कोई अतापता नहीं था अकबर जयरथ और रामन्ना वहां पहुंच चुके थे और फाल सीलिंग का अपना अधूरा काम मुकम्मल करने में लग गए थे भंडारी आर्ट गैलरी के डायरेक्टर बरवे के ऑफिस में पहुंचा सर साढ़े दस बज गए हैं वह बोला पेंटिंगें नहीं पहुंची वे तो नौ बजे पेंटिंग्स कल आएंगी उत्तर मिला भंडारी जैसे आसमान से गिरा जी उसके मुंह से निकला जो फ्रांसीसी प्लेन पेंटिंग्स के साथ पेरिस से रवाना हुआ था कलपुरजो की किसी एकाएक पैदा हो गई खराबी की वजह से उसे रोम में फोर्सलैंड कर जाना पड़ गया है अब वह प्लेन कल सुबह चार बजे से पहले मुंबई नहीं पहुंचने वाला है यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई भंडारी बड़बड़ाया कोई गड़बड़ नहीं होगी बरवे, जिसे नहीं मालूम था कि भंडारी किस गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा था बोला उद्घाटन का समय अब दोपहर का कर दिया गया है और मुख्यमंत्री जी को इस बाबत खबर पहुंचा दी गई है ओ वैसे भी हाल की छत तैयार नहीं थी अब वह भी इतमीनान से तैयार की जा सकती है जी हाँ भंडारी डूबते स्वर में बोला जी हां और कुछ जी वह हड़बड़ाया जी नहीं कुछ नहीं थैंक यू थैंक यू सर मन मन के कदम रखता हुआ वह डायरेक्टर के कमरे से बाहर निकल आया तकदीर के एक ही वार ने सारी स्कीम चौपट कर दी थी पौने करोड़ की रकम का मालिक बनने का अपना सपना उसे अपनी आंखों के सामने चूर चूर होता दिखाई देने लगा वह अपने ऑफिस में पहुंचा उसने तुकाराम के चेंबूर वाले नंबर पर फोन किया फोन खुद तुकाराम ने उठाया भंडारी बोल रहा हूं क्या हुआ उसकी बदहवास आवाज से आशंकित तुकाराम बोला बुरा हुआ क्या ग्यारह बजे फ्लोर फाउंटेन पर मिलो लेकिन फोन पर करने वाली बात नहीं है बंद कर रहा हूं उसने रिसीवर रख दिया फ्लोर फाउंटेन तक वह पैदल गया तुकाराम की जगह उसे वहां वागले दिखाई दिया जो कि उसे पार्किंग में खड़ी एक कार के करीब ले आया कार की पिछली सीट पर तुकाराम बैठा था भंडारी कार में उसके पहलू में जा बैठा वागले आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया क्या हुआ तुकाराम तनिक हड़बड़ाए स्वर में बोला भंडारी ने बताया सत्यानाश तुकाराम के मुंग से निकला कई क्षण कोई कुछ न बोला तो क्या हुआ अंत में तुकाराम बोला जो काम आज शाम को होने वाला था वह कल शाम को हो सकता है कैसे हो सकता है भंडारी बोला अकबर वगैरह कल शाम तक फाल सीलिंग में ही नहीं बैठे रह सकते क्यों नहीं बैठे रह सकते यह थोड़ा तकलीफ वाला काम होगा लेकिन सवाल उनकी तकलीफ का नहीं है सवाल यह है कि यह नहीं हो सकता कि कल सारा दिन उनकी वहां मौजूदगी की कि किसी को भनक ना लगे कल सारा दिन हाल लोगों से भरा होगा पहले चीफ मिनिस्टर के उद्घाटन समारोह की वजह से बाद में पब्लिक की आवाजाही की वजह से भीतर फाल सीलिंग में वे लोग पहलू भी बदलेंगे तो आहट होगी कल खास तौर से कल चीफ मिनिस्टर के आगमन की वजह से वहां बेशुमार गार्ड और पुलिसिये होंगे तो काराम यह नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर के अपने प्रशिक्षित सिक्योरिटी वालों की निगाह से फाल सीलिंग में किसी की मौजूदगी छुपी रहे और यह भी नहीं हो सकता कि फाल सीलिंग में पंद्रह सोलह घंटे लेटे या उगडू बैठे रहे वे तीन जने पहलू तक न बदले आहट जरूर होगी और वह आहट नोटिस में आए बिना नहीं रह सकती फिर क्या किया जाए इतनी तैयारी के बाद हासिल कुछ न हो यह तो कोई बात न हुई जो फैसला करना है जल्दी करो मेरी इस वक्त आठ गैलरी गैर मौजूदगी किसी को खल सकती है मैंने फौरन वापस लौटना है मेरी अक्ल साथ नहीं दे रही है मैं सोहल से बात करता हूं उसे साथ लेकर आना था तुम भूल रहे हो कि वह कौन है वह एक ऐसा इश्तिहारी मुजरिम है जिसके सिर पर दो लाख रुपए का इनाम है गैर जरूरी एक्सपोजर उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है भंडारी खामोश रहा उसने बड़ी बेचैनी से पहलू बदला मैं वापस जाता हूं तुकाराम एकाएक बोला मैं चार बजे तुमसे बात करूंगा कैसे फोन करूंगा फोन कभी खराब हो जाता है कभी नहीं मिलता तुम फिक्र न करो कैसे भी हो चार बजे तुम्हारी मेरी बात होगी ठीक है मैं जाता हूँ चार बजे फोन पर ही भंडारी की तुकाराम से बात हुई हमारे साथियों को कह दो तुकाराम ने निर्देश दिया कि वे अपना काम मुकम्मल करके वहां से निकल जाएं। और सामान भंडारी ने पूछा सामान पीछे पड़ा रहे आखिर सामान तो पहलू नहीं बदलता उसकी आहट तो गार्डो को नहीं मिल सकती यानी कि सामान अभी इस्तेमाल होगा जरूर होगा आठ बजे मीटिंग है पहली वाली जगह पर ही उन तीनों को भी बता देना तभी फैसला होगा कि आगे क्या किया जाना है बेहतर तुकाराम ने रिसीवर रख दिया अब मैं जाता वह बोला प्रोग्राम में तब्दीली की अपने अमरीकी खरीदार को खबर करने वागले तू यही बात अंधेरी जाकर रुस्तम भाई को बताकर आ। वागले ने सहमति में सिर हिलाया एस्ट्रिस्क 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 रात आठ बजे तुकाराम के यहाँ वे सब फिर इकट्ठे हुए हर किसी के चेहरे पर मायूसी स्पष्ट रूप से अंकित थी सतुकाराम का मुंह देख रहे थे और तुकाराम विमल का मुंह देख रहा था यह समस्या तो है विमल गंभीरता से बोला लेकिन ऐसी नहीं जिसका कोई हल ना हो क्या हल है भंडारी व्यग्र भाव से बोला वह आर्ट गैलरी चीफ मिनिस्टर के उद्घाटन के बाद दर्शकों के लिए कब खोली जाएगी कल ही उद्घाटन के फौरन बाद चीफ मिनिस्टर के चले जाने के बाद कल शाम को प्रदर्शनी बंद होने के वक्त से पहले अकबर जयरथ और रामन्ना वहां दर्शकों के तौर पर वापस जा सकते हैं तब तुम्हें ऐसा कोई इंतजाम करना होगा कि सब दर्शकों के चले जाने के बाद भी ये तीनों वही रह जाएं। ऐसा कैसे करूंगा मैं कल वहां क्लोजिंग के वक्त कम से कम छह गार्ड होंगे कभी तक तो होंगे जब तक प्रदर्शनी चालू रहेगी और हाल खुला रहेगा हाल खाली हो जाने के बाद जब हाल को ताला लग जाएगा तो भी क्या वहां गार्ड तैनात रहेंगे नहीं तब तो नहीं बतौर दर्शक वहां पहुंचे ये तीनों कहीं और मसलन किसी टॉयलेट में छुप सकते हैं हाल को ताला लग जाने के बाद किसी वक्त जबकि वह फ्लोर सुनसान पड़ा हो तुम आकर हाल का ताला खोलकर इन्हें भीतर छुपा सकते हो और ताला फिर लगा सकते हो लेकिन हाल को ताला लगते ही उसका अलार्म सर्किट चालू कर दिए जाने का निर्देश है ऐसा निर्देश बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हें ही तो होगा हाँ और वह अलार्म सर्किट चालू करेगा कौन मैं अलार्म सर्किट चालू कहां से होता है सिक्योरिटी ऑफिस से जो कि मेन इमारत के बाहर कंपाउंड में फाटक के पास है दूसरी मंजिल के हाल से सिक्योरिटी ऑफिस तक कोई पलक झपकते तो पहुंचा नहीं जा सकता कुछ वक्त तो लगेगा उसमें बड़ी हद दो मिनट जिसे तुम तीन चार या पांच मिनट तक बड़ी आसानी से खींच सकते हो फर्ज करो हाल का ताला लगा कर तुम अपने गार्डो के साथ वहाँ से रवाना हो गए हो नीचे जाते वक्त पहली मंजिल तक पहुँच कर तुम एकाएक ठिठकते हो और किसी बहाने से वापस लौटते हो तो क्या गार्ड तुम्हारे साथ वापस लौटेंगे उम्मीद तो नहीं, नहीं लौटेंगे कोई इक्का दुक्का लौटना चाहे भी तुम उसे ऐसा करने से रोक सकते हो आखिर तुम वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर हो और उनके बॉस हो फिर वापस आकर ताला खोलकर इन लोगों को भीतर छुपाकर ताला फिर से बंद करना मुश्किल से एक मिनट का काम होगा भंडारी सोचने लगा टॉयलेट में छुपना संभव नहीं फिर वह बोला क्यों क्योंकि शाम को क्लोजिंग के वक्त कैलेड भी चेक किए जाते हैं तो इन्हें छुपाने की और जगह सोचो कोई और कमरा कोई क्लोजेट कोई ना इस्तेमाल होने वाला स्टोर या ऐसी ही कोई और जगह दूसरी मंजिल से छत को जाती सीढ़ियों के नीचे एक अलमारी सी है जिसमें सफाई का सामान झाड़न बाल्टिया डस्टर वगैरह रखे जाते हैं वह जगह इस इस्तेमाल में आ सकती है Very good. इस प्रकार तो बाद में जब पुलिस चोरों की कार्यप्रणाली को समझेगी तो यही कहेगी कि चोर जरूर फॉरेन ट्रेंड है मतलब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित वहां की नेशनल आर्ट गैलरी में अक्टूबर उन्नीस में यूं ही चोरी हुई थी वहां भी यही हुआ था कि आर्ट गैलरी के दर्शकों के लिए बंद होने के वक्त चोर पहले ही जाकर सीढ़ियों के नीचे बने ऐसे एक क्लोजेट छुप गए थे और फिर रात के सन्नाटे में हाल के दरवाजे के ऊपर की दीवार में सेंध लगाकर आर्ट गैलरी की आठ बेशकीमती कृतियां चुराने में कामयाब हो गए थे तुम्हें भी यह आइडिया नहीं से लगा लगता है यही समझ लो कोई बड़ी बात नहीं कि वहां भी चोरों का रहनुमा आर्ट गैलरी का सिक्योरिटी ऑफिसर ही हो भंडारी ने बुरा सा मुंह बनाया ऐसा नहीं हो सकता रुस्तम भाई बोला कि फाल सीलिंग में अभी भी कोई कमी रह जा रही जिसे कि कल दुरुस्त किया जाना जरूरी होता ऐसा हो सकता था तो अब नहीं हो सकता होने को तो यह भी हो सकता था कि फॉल्स सीलिंग में कोई ऐसा नुक्स छोड़ दिया जाता जिसकी वजह से उसके दो गुना दो फुट के तीन चार डेकोरेटिव बोर्ड एकाएक -एक नीचे लटकने लगते लेकिन वह स्टेज अब गई फॉल्स सीलिंग अब मुकम्मल हो चुकी है और इन लोगों को वहां से डिसमिस किया जा चुका है ठीक अगर कोई और चारा नहीं भंडारी बोला तो मैं कल इन लोगों को सीढ़ियों के नीचे उस अलमारी में छुपाने की कोशिश करूंगा कोशिश नहीं तो काराम बोला यह काम लाजमी तौर पर होना है भंडारी तुम्हारी यह इकलौती मूव छ करोड़ रुपए की है ठीक है मैं प्रबंध करूंगा लाजमी तौर से हाँ साबान तुकाराम बोला